गौरचंद्राय राधिकाय सदाए कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ दियभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणाकरौ हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये भक्त्याविहीनापराधलक्ष्यै तिप्तासि कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्द जय रूप सनातन भट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट दास रघुनाथ हे जय गोसारी करी चरण बंदन जहाय विघ्ननाथ अभीष्ट पुरन तमादि देवं करुणानिदानं कमाल वर्णं सुहृदापारं अपार संसार समुद्र सेतु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथाजत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण सर्वप्रथम उन्होंने पुतना को वध किया है। बोले कृष्ण सबसे पहले पुतना को क्यों मारे? बोले पूत मतलब होता है पवित्र और ना मतलब होता है नहीं। जो
पवित्र नहीं जो अपवित्र है। ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, अगर हृदय में कोई ठाकुर जी को बैठना चाहता है, पहले क्या करो, हृदय के जितने गड्ढे को, हृदय में जितने काम क्रोध लोभ को हृदय से पहले हटाओ, फिर उसको बाद में भगवान हृदय में जाकर के बैठते हैं। नंद बाबा गए हुए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए। जब नंद बाबा हरे कृष्ण जब नंद बाबा वापस आए, उन्होंने सुना कैसे ये पुतना आ गई थी। नंद बाबा बोले, वसुदेव सही बता रहा था। बोले देखो, एरे गेरे व्यक्ति को घर में घुसने मत दिया करना, कड़ी पहरादार बैठा दी, सबको नहीं देना जब तक जसोदा और मेरी आदेश नहीं हो, जैसे अंदर में कोई घुस नहीं सके। इतने में श्री शंकर जी आ गए। शंकर जी ने देखा, भगवान का सारे लीला हमने देखी है, लेकिन उनका बाल गोपाल स्वरूप हमने नहीं देखा। शंकर जी बड़ी सुंदर सज धज करके श्रृंगार करके आ गए। आपको पता है शंकर जी की श्रृंगार है। शंकर जी को तो कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। सत्य शंकर जी को तो सुंदर बताते हैं, लेकिन इस शंकर जी का आप ड्रेस देखोगे ना, हाँ, शंकर जी की ड्रेस देखोगे बड़ा भयंकर है। शंकर जी शरीर में चंदन नहीं लगाते हैं। शंकर जी शरीर में क्या लगाते हैं? बोले बहुति लगाते हैं। बोले कहाँ की? बोले शमशान की बहुति को लगाते हैं। बोले क्यों? बोले सब दुनिया को सिखा देते हैं, देखो जिस शरीर को तुम ब्यूटी पार्लर में लेकर के सजते हो, जिसमें क्रीम स्नो पाउडर और इतने बढ़िया बढ़िया चीज से जिस शरीर को श्रृंगार करते हो, जानते हो वो शरीर का परिणाम क्या है? बोले एक मुट्ठी राग है और कुछ नहीं। इसलिए प्यार करना तो शरीर को ज़्यादा प्रेम नहीं, प्यार करना तो भगवान को, कृष्ण को, राम को तुम प्यार करो। शंकर जी अलंकार क्या पहनते हैं? कोई सोने चांदी नहीं पहनते हैं, सारा शरीर में सर्प, सर में सर्प, गले में सर्प, कमर में सर्प। कभी ये सर्प कौन है? बोले ये सर्प से अनंत देव है। अनंत देव शंकर जी की क्या लगते हैं? बोले गुरु जी। कहते अगर शरीर का श्रृंगार बनाओ ना, किस चीज का श्रृंगार करो? बोले गुरु जी की उपदेश को श्रृंगार रूप में धारण करो। और सोने चांदी पहनोगे ना, फिर कोई चोरी करके ले जाएगा, फिर दुखी दुखी हो जाओ। इसलिए सोने चांदी की श्रृंगार मत करो, श्रृंगार करो तो किस चीज की? गले में देखो तुलसी कट्टी, गले में किस चीज की धारण करो? बोले तुलसी कट्टी। इसलिए हमारे एक संत बड़े सुंदर एक भजन लिखते हैं, बोले तुलसी रहार ना पड़े जे छार, जमाल बसतार, तिलक सेवन ना करे जे जन, जमाल बसतार। देखो ये एक बहुत बड़े महापुरुष का भक्त हुए, वो कहते हैं अलग अलंकार धारण करना ना, किस चीज की धारण करो? बोले तुलसी रह हार। किस चीज का हार? बोले तुलसी के हार पहनो। अगर गले में तुलसी कट्टी है ना, जब दूध कभी तुम्हारी तरफ में झांक करके नहीं देगी। अरे यही हार ही सौंदर्य को बढ़ाने वाले हैं, हैं? तुलसी रह हार। बोले तिलक का सेवन ना कर जे जन, फिर जो लोग तिलक नहीं लगाते, बोले उनको बास क्या? बोले जमाल में बास है, उसका बास है जमपुरी में बास है। इसलिए गलाक में तुलसी कट्टी और सुंदर तिलक धारण करो, यही यही चीज को जीवन में श्रृंगार रूप धारण करो। ठीक है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसलिए शंकर जी के सर के ऊपर में कौन सा फूल चढ़ाते हैं? जूई बेली चमेली नहीं, वो धतूरे और आकर जो जंगल में होता है जहरीले हैं। शंकर जी कहते हैं जितने बढ़िया बढ़िया फूल है, जितने सुंदर चंदन अगुर कर्पूर, ये तो मेरे प्रभु कृष्ण सेवा में लगे, मैं उनका सेवक हूँ,
जो अपने आप जंगल में हो जाता है ना, उसको मैं वह चीज को मैं धारण करूंगा। इसलिए शंकर जी गुरु रूप में ये सब चीज को शिक्षा देते हैं। अभी श्री भोले बाबा आ गए प्रभु को दर्शन करने के लिए। अभी तो वहां पर कोई एक दासी बैठी हुई थी। शंकर जी बोले, मैंने सुना है नंदक घर में के लाला भय हुए। वो कहती है, तेरा कहा भय हुए? लाला भय तो तेरे कहा भय हुए? बोले, थोड़ा लाला को दर्शन करा दो। बोले, बाबा उतना आ गई थी कल, वो तो वैसे ही देखने में बड़ी सुंदरी लग रही थी और निकली और राक्षसी, और तू तो देखने में बेच लग रहे, तेरे को तो देख करके मेरे जी घबरा रहा है। हैं, बिच्छू शरीर में सांप चटा जूट, लाला का दर्शन नहीं होएगा, भाग जा यहाँ से। उसने जा करके मैया को बोल दिए। अभी मैया आ गई सचमुच से शंकर जी को देख करके डर गई। बोले, बाबा कहा बात है? बोले, लाला को थोड़ा दर्शन करा तो बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। बोले, बाबा मेरे लाला को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है, इसलिए लाला का दर्शन नहीं हुई वो, इसलिए सोना चांदी जो लेना लो और अपना रास्ता देखो। मैया तो कृष्ण को लेकर घर की कोड़े में छुपा दी और शंकर जी वहीं पर त्रिशूल गाड़ कर बैठ गए। जानते हो कितना दिन तक शंकर जी बैठे थे कृष्ण को दर्शन करने के लिए? बस 3 दिन तक शंकर जी वहीं पर बैठे रहे। बोले, जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगे ना, यहाँ से हटने वाला नहीं। इतने में कृष्ण बड़े भक्त वत्सल है, अभी शंकर जी को दर्शन देना चाहते हैं। इतने में कृष्ण रोना शुरू कर दिया। मैया जितने थपथप लगाए उतना ही कृष्ण रोए, उतना जोर जोर से रोए, पूरा परिवार एकदम तंग हो गए। बोले, क्या हो गया? लाला का रोना बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने बोले, मैया वो जो बाबा है ना, अरे वहीं को वहीं बैठा हुआ त्रिशूल गाड़ करके। बोले, लाला को जब तक दर्शन नहीं कराओगे हटने वाला नहीं। मैया ने काला कपड़े से ओढ़ करके मोटी मोटी काजल लगा दी, काजल का भूत लगा दी, गले में काला धागा जैसे नजर नहीं लग जाए, बड़ी कष्ट से लेकर के आती है। बोले, बाबा दर्शन करोगे ना? बोले, दर्शन कर। केवल एक झलक दर्शन करा दिया। इतने में कृष्ण जो रो रहे थे ना, खिलखिल खिलखिल हंसने लगे। शंकर जी जो हंस रहे थे, रोने शुरू कर दिया। बोले, भैया ये क्या उल्टा हो गया? लगता है ये बाबा ना कुछ जानता है, क्योंकि लाला का तो रोना ले लिया और अपना हंसना लाला को दे दिया। अगर माताओं को पता चले ना ये बाबा को थोड़ा हाथ देखना आता है, कोई थोड़ी सी हाँ जादू टोना फिर तो फिर जाते। बोले, बाबा तो हाथ देख लो मेरा क्या होने वाले हैं, हाँ बता दो, मेरे भविष्य बता दो। अब तो घर गए सबके सब। बोले, बाबा हमारे लाला को बड़े जल्दी नजर लग जाती है, कोई तेरे पास में दवा हुआ है? बोले, बहुत बढ़िया दवा। बोले, बताओ। बोले, जब तुम्हारी लाला को स्नान कराते हो, मैं यहीं पर बैठा रहूँगा, वो स्नान का जो पानी ला करके मेरे सर पर डाल देना। बोले, बाबा कर लो। बोले, और कुछ करना पड़ेगा? बोले, तुम लाला को जब खाना खिलाते हो, जो बच जाएगा प्लेट में मेरे को दे देना है। बोले, बाबा सो कर तुम लोग। अभी अगर आप लोग नंदगांव जाओगे ना, देखना जब भगवान की जब स्नान कराया जाता है ना, वहां से पाइप जाइए। नंदगांव गए हो? नंदगांव कौन बोले? नंदगांव गए हो? हाथ उठा कर नंदगांव कौन बन गए? हाँ, हे भगवान तुम लोग गुजरो होकर नंदगांव तक नहीं गए। और अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी से भक्त लोग आते हैं ब्रज में घूमने के लिए, और यहीं से थोड़ी दूर तक अभी तक नंदगांव नहीं गए। बरसाना कौन गए? और गिरिराज गोवर्धन कौन गए? बाबा गिरिराज बाबा को प्यार करते। बोले, गिरिराज बाबा की जोर से जयकार लगा। बोले, श्री गिरिराज बाबा की। इसलिए अभी भी जब शंकर जी की जब कृष्ण को भोग लगाते हैं, वो सीधा श्री शंकर जी को पास में आएगा। देखो, जब कोई चीज भगवान को भोग लगाओ वो प्रसाद होता है, वही प्रसाद जब भगवान किसी भक्तों को देना, वो प्रसाद नहीं, वो महा महा प्रसाद हो जाता है। वो प्रसाद की महिमा बढ़ जाती है, प्रसाद की महिमा है। अभी शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी प्रसन्न होकर के प्रभु को दर्शन करते हुए शंकर जी चले गए। अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे। बोले, कितने बड़े हो रहे कृष्ण? अभी कृष्ण 3
महीना की हो गई। देखना जो बच्चा 3 महीना का होता है अपना करवट लेता है, कृष्ण तो अपने आप करवट ले लिया, मैया को तो बड़ा आनंद मिला, लाला को शरीर में ताकत आ गया, लाला करवट ले लिया। आज घर में उत्सव मनाएंगे क्योंकि राजा का बेटा है ना। मैया सोच रही थी कोई भी थोड़ी सी कोई बहाना बन जाए, अपना घर में उत्सव मनाती है। सब उन्होंने ब्रज गोपियों को उन्होंने सब नौता दे दी, आज लाला की करवट लेने का उत्सव आज हम घर में मनवाएंगे। अभी जितने गोपियाँ आ गई, मैया अपना आंगन को साफ कर दी, जितने दूध दही मक्खन को बैलगाड़ी के ऊपर रख दी और गोपियाँ बैठ करके कीर्तन कर रही थी। बोले जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जीव जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, आ गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो नंद लाला, मेरा गोपाला, मेरा गोपाला, आ गोपियों से चढ़ गया से पड़ गया जियो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, अचर मर चर मर कर पलना, चर मर कर पलना, ब्रजवासी गावे जियो ललना, ब्रजवासी गावे जियो ललना, जियो जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, दिली तेरी पगड़ी खीर जल की पूरी लाडू पुआ, खीर जल की पूरी लाडू पुआ, यशोमती मरिया नंद हुआ, यशोमती मरिया नंद हुआ, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो नंद लाला, दिली तेरी पगड़ी रंग काला। बड़ी प्यारी प्यारी कृष्ण कीर्तन कर रहे थे, लेकिन कृष्ण को कहाँ सुला दिया, बैलगाड़ी को नीचे, और घर का दूध दही कहाँ रख दिया, बोले बैलगाड़ी के ऊपर। मतलब है भगवान को तो कर दिया नीचे और घर का सामान कर दिया ऊपर, और क्या किया, उत्सव से कृष्ण को अलग कर दिया। हाँ ध्यान देंगे सुनो, हरे कृष्ण। भगवान ने अभी सोच रहे हैं, भैया मेरे लिए तो उत्सव हो रहा है और कीर्तन कर रहे हैं मेरे, सब कुछ मेरे, और देखो मेरे को ये उत्सव से अलग कर दिया है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं मैं भी थोड़ा अपना कीर्तन का आनंद लूँ। अभी कृष्ण का उम्र कितना, कितना कितने उम्र कृष्ण की, कितने उम्र है, 3 महीना की। अभी कृष्ण को घुटन पर भी चलना आता है। अब देखना जब बच्चा मैया की गोद में जाना चाहे ना, क्या करता है बता, रोता है। कृष्ण सोचा अगर मैं जोर जोर से थोड़ा रो लूँ ना, फिर मैया मेरे को गोद में ले जाएगी। इतने में कृष्ण थोड़ी सी रोना शुरू कर दिया। जब कृष्ण रो रहे थे इतने में मैया तो लेन देन में लगी हुई थी, कौन आया, किसको क्या देना नहीं देना, वो तो रोने लेने देने में लगी हुई थी मैया जसोदा। अभी जसोदा की कान में लाला की रोना ही नहीं पड़ा। कृष्ण सोचे भैया कब तक रोऊं, अभी तक तो इतना मैंने रो लिया हैं, इतना तो मैंने रो लिया और कितना मैं रोऊं। अभी कृष्णा की इच्छा शक्ति जोग माया ने श्री कंस महाराज को प्रेरणा की।
कंस ने एक राक्षस को भेज दिया, उसका नाम था शकटासुर। कहते ये शकटासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्पन्न था। एक दिन लोमहर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके उन्होंने उनकी बात को उन्हें उजाड़ दी। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान क्या तेरे को इसलिए इस मोटे छोटे बनाए, संतों की ठाकुर जी की बात को उजाड़ने के लिए? बोले जाओ, तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान है वो तेरा ये शरीर ही नहीं रहेगा। इतने में उसने देखा धीरे 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 उसका शरीर गायब होने लग गया, अभी सारा नशा उतर करके आ गया। ऋषि के चरण में पड़ गए, बताओ हमारी कल्याण कैसे होगा, उद्धार कैसे होगा? बोले चिंता मत करो, तुम जाओ हैं, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे, ठाकुर जी की जब चरण स्पर्श तुम्हें मिलेगा तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। इतने में शकटासुर आ गया, कृष्ण ने देखा मामा जी आ गए, कंस लगते हैं मामा और उनके संबंधी सबके सब लगते हैं मामा। बोले ये मामा जी आ गए, ये कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, उसका तो शरीर था नहीं। देखा कृष्ण कहाँ पर है, देखा ये बैलगाड़ी को नीचे कृष्ण सो रहे हैं, उसने बैलगाड़ी के ऊपर सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबाते दबाते ना पास पूरा गाड़ी को ऐसे दबाऊं कृष्ण जो नीचे लेट हो गया ना पीस जाए, पूरा पीस जाए। इतने में कृष्ण अपना कोमल चरण को धीरे 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 चलाया और उन्होंने ऐसे मारा बैलगाड़ी को, वो गाड़ी पूरा का पूरा गाड़ी पलट गई और जितने दूध दही मक्खन सबके सब खराब हो गया। इतने में मैया दौड़ दौड़ करके आई, बोले आंधी तूफान नहीं पलटी तो पलटी कैसे, लेकिन कृष्ण क्या सखाओं ने देखा था। बोले मैया भैया हम बताएं, बोले बताओ, बोले लाला की चरण की ठोकर से। मैया बोली लगता है भांग की गोला ज्यादा खा लिया, अरे लाला अभी 3 महीना का और इसकी चरण की ठोकर से गाड़ी पलट गई। मैया को विश्वास नहीं हुई, फिर मैया ने लाला को गोद में लेकर के कीर्तन को बीच में लेटा दी, फिर कीर्तन की तो कृष्ण खुश हो गए। बोले अगर पहले से मेरे को कीर्तन में ले आते इतना नटखट थोड़ी करता। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, देखो इधर सब माता आई, ध्यान देकर सुना, सारी कथा को याद करो, ये कथा को सुनकर के ऐसी याद करो जैसे तुम लोग एक एक वक्ता बन सके। आप लोग देखे होंगे टीवी में छोटी छोटी लड़कियां पूरी भागवत कथा करती हैं। देखो बच्चों ने एक चित्र लिखा है, नाम सुने होंगे, और एक छोटी छोटी 10 साल के 15 साल की छोटी छोटी लड़कियां देखना पूरी भागवत कथा सुनाते हैं। और यहाँ पर मैं कितना बार भागवत कथा कर चुका हूँ, दूसरों को सुनाते कि नहीं, दुनिया की बात तो सुना देते, बेटा बहू उसकी बेटी ऐसे कर रही थी, बहू सारा दुनिया की बात रख लेते हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं करते हो। सब पूरी पूरी भागवत कथा को पूरा भी सीखना, ठीक है ना, पूरी भागवत कथा को ध्यान देकर सुनो और पूरी ये कथा को याद करना है, भगवान की कथा को याद करना और दूसरों को सुनाना, ठीक है, सब ध्यान देकर सुनाओ सारी कथा को। और अरे मैं कल बता रहा था ना, घड़ी के जो लड़कियां जहां भी गई वहीं पर प्रचार कर दिया, वहीं पर भक्त बना रहे घड़ी के। हाँ घड़ी मतलब जानते हो, कहते ना ये घर चोरों का घर, किसी चीज का घर, सचमुच से ये जो घड़ी है ये घर है किस चीज की? बोले भगवान की प्रेम की है, श्री बांके बिहारी की प्रेम का ये घर है, इसलिए इसका नाम क्या है, घड़ी। किस चीज की घड़ी? प्रभु की प्रेम की घड़ी है और यहीं से सारा दुनिया प्रचार हो रही है। इसलिए बढ़िया से सुनो, जितने लड़कियां जब अपना जाओगे ना ससुर घर में सबको भक्त बना देना, ठीक है ना, सबके सब, इसलिए अच्छे तरह से सुना और सबको भक्त बनाना। और जितने बहुएं भी जब अपना पीहर जाओगे, जितने बहुएं अपना जब पीहर जाओगे वहां पर भी ये भक्ति को प्रचार करना, ठीक है ना, यहाँ पर भी भक्ति प्रचार करना। और हम देख रहा हूँ आपका घड़ी में जितने भक्त लोग हो रहे ना, हाँ कथा तो करते हैं हम अलग जगह पर, इतना भक्त नहीं कहीं है, इतने भक्त कहीं नहीं है, क्योंकि भक्ति का गढ़ है ना। बोले घड़ी के भक्त वृंद की, अरे अपना लिए जय नहीं दे सकते। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
जय जय श्री राधे। ठीक है, सबके सब ध्यान देकर सुनो। ऐसे नहीं आकर के बैठ गए, कथा खत्म हो गया और पल्लू जहाज में चली गई, कथा खत्म और हम भी खत्म हो गए। सब एक मन से कथा सुनो और सारी कथा को याद करना और पास पास में बैठकर कोई बात नहीं करना, कोई पास में बैठकर किसको साथ में बात नहीं करना, ठीक है ना। और भगवान के नाम जप करो, कथा सुना और दूसरों को भी कथा सुनाना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कहते ये कथा में, कहते ये कथा में शिक्षा किस, भगवान ने क्या शिक्षा दिया है। भगवान शिक्षा देते हैं, अगर घर में कोई उत्सव हो, वो उत्सव से भगवान को कभी अलग मत करो, भगवान को कभी अलग मत करो। हर चीज में भगवान को जोड़ो, भगवान को छोड़ना नहीं। कल मैं बता रहा था ना, जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, सब माताएं बैठ करके, और यहाँ पर हमारे भी ग्रुप है, हमारे भक्त लोगों का ग्रुप भी है कहीं। इसलिए घर में कोई भी तुम्हारी उत्सव हो ना, जैसे काली दीदी और सीमा जैसे भक्त लोग हैं, इनको बुलाना, बुला कर घर में कीर्तन करवा, ठीक है ना। अगर कोई भी काम भी अगर भगवान की कीर्तन के माध्यम से करोगे ना, देखना अगर थोड़ी बहुत जो आपत्ति विपत्ति सब टल जाएगी। क्यों कहते ना, मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हरी। ठीक है, हर घर में कोई भी उत्सव हो, शादी की सालग्रह हो, शादी हो, कोई भी घर में फंक्शन हो, उल्टा पुल्टा व्यक्तियों को नहीं बुला करके, शराब और मांस मदिरा सेवन नहीं करके घर में बुलाओ, हरि कीर्तन करवाओ, भगवान का नाम जप करवाओ, देखना हर काम तुम्हारी बढ़िया बढ़िया होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो उत्सव से भगवान को निकाल दिया और कहाँ लेटा दिया, बोले लेटा दिया उन्होंने, लेटा दिया उन्होंने बैलगाड़ी को नीचे, और घर का सामान कहाँ रख दिया, घर का सामान वो रख दिया बैलगाड़ी के ऊपर। मतलब जो भगवान की भक्ति को कर देते हैं छोटा और अपना घर का चीज को बड़ा कर देते हैं, भगवान क्या कहते हैं, बोले ऐसे ठोकर मारूंगा ना, सब पलट दूंगा सारी तुम्हारी चीज को, मेरे को छोड़ करके सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ चीज को मेरे को जोड़ करके करो, छोड़ करके नहीं, क्या करके मेरे को जोड़ करके करो, फिर तो घर में तो बढ़िया से रहोगे, आनंद आनंद होगा। अभी कृष्णा और थोड़ी बड़े हुए, कृष्ण कितने बड़े हुए, जब एक बच्चा अपनी पेट की सहारा से खिसर खिसर करके चलता है, जिस सांप चलता है ना, कितने महीना में, सब तीन चार महीना में, पांच महीना में बच्चा अपना पेट के सहारे से चलता है। कन्हैया तो बड़े नटखटे हैं, अभी कृष्ण सोच रहे घर से बाहर निकले। पहले पहले हर घर में दहेली होता था, चौपट, जानते हो चौपट क्या चीज होती है, घर में कोई सांप मेढक नहीं आ जाए, घर घर में चौपट होता था। अभी तो शहर हो गया ना, पहले जो गांव में रहते थे हैं, अभी चौपट तो किसी घर में है ही नहीं, चौपट तो खत्म हो गई। अभी कृष्ण पेट की सहारा से घिसटते घिसटते चौपट के ऊपर आ गई, अभी आधा शरीर बाहर और आधा भीतर, अभी कृष्ण एकदम लटक गई, अभी इधर भी नहीं आ पा रहे और उधर भी नहीं जा पा रहे, कृष्ण तो रोना शुरू कर दिया। उसी समय में श्री नारद जी अल्लोमर से ऋषि प्रभु का दर्शन के लिए आए थे, प्रभु कैसे लीला कर रहे हैं, देखा प्रभु लटकत भगवान रो रहे हैं। इसको देख करके नारद जी बड़ी जोर से ठा लगा करके हा 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 कर हंसने लग गए। फिर थोड़ी देरी बाद में उन्होंने रोने लग गए। इतने में लोमर से ऋषि बोले, नारद जी पहले तो आप ठा लगा करके हंसे हो, पहले रोए, बोले क्यों, बोले इसलिए मैंने हंसा है, क्या ठाकुर जी चौपट को पार नहीं कर सकते हैं, जिनकी नाम लेने पर जी ये भवसागर से पार हो जाता है, क्या प्रभु ये चौपट को पार नहीं कर सकते हैं। पर भगवान ऐसे लटक रहे थे, केवल अपना भक्तों को आनंद देने के लिए ये ठाकुर जी ये लीला कर रहे हैं। और भक्त लोग ये लीलाओं को चिंतन करते करते और इसी में ही डूब जाते हैं, इसलिए भक्तों का सौभाग्य को देख देख करके मैं हंस रहा था। बोले आप रो रहे थे क्यों, बोले ज्ञानियों का दुर्भाग्य को देख देख करके, जो भगवान को निराकार मानते हैं, कहते प्रभु का तो कोई लीला है, वो तो निराकार है, हैं? वो तो निराकार है, इसलिए
वो प्रभु की सुंदर सुंदर लीलाओं को ध्यान नहीं करते हैं और उनकी दुर्भाग्य को देख देख के मैं रो रहा था है उनको दुर्भाग्य को। कृष्ण और धीरे 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 बड़े हो रहे हैं। कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए ना, जानते हो उनकी मुंह से पहले कौन सा शब्द निकला? श्री गोस्वामी श्री हैं यहाँ पर कहते हैं श्री सूरदास जी, सबसे पहले इनकी मुंह में माँ शब्द निकला। जितने माताएं हैं ना, बच्चे के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तरसती है। जब मैया जसोदा पहला बार उसने सुना, लाला ने मेरे को मैया बोला, मैया का हृदय एकदम फूल गया, एकदम दिल खुश हो गया। मैया मेरे को लाला बोली। देखो कि जो माँ शब्द है ना, ये बड़ा प्यारा शब्द है। कहते भरत का नाम जानते हो? भरत जी का नाम सुने हो? जिस समय भरत जी को पता चला मैया कैकेयी ने भगवान राम लक्ष्मण सीता का वनवास दे दिया, भरत इतना बिगड़ गया, बोले आज से तेरे को मैंने मैया नहीं बोलूंगा। पिछले हर समय में वो बोलता था महारानी कैकेयी। इतने में एक दिन श्री भरत श्री कैकेयी ने प्रभु राम से बोले, बोले राम तू एक काम करोगे? बोले बताओ भैया क्या चाहती हो? बोले भरत को एक बार बोलोगे मेरे को माँ बोलेगा? एक बार वो केवल माँ बोल दे और ये माँ शब्द सुनकर के मैं अपना प्राण त्याग दे दूँ। इतने में भगवान ने राम श्री भरत जी को बुलाए, बोले भरत जी मेरा, बोले क्या बात है? बोले एक आदेश से मेरा पालन करोगे? भरत जी ने कहा प्रभु आप कभी भी अभी तक मेरे को आदेश कभी भी नहीं दिया, कभी मेरे को आदेश नहीं दिया। इसलिए देखो ध्यान देकर सुनो, तीन तरह का सेवक होता है। कितने तरह के सेवक होते हैं? कितने तरह के? तीन तरह के सेवक होते हैं। पहला नंबर सेवक है वो आदेश देने से पहले मन की भावना को जान करके जो कर ले, कहते ये उत्तम सेवक है। गुरु जी उदाहरण देते थे, हाँ ध्यान देकर सुना, जैसे तुम्हारी पति ठंडा का समय में कहीं बाहर जा रहा है, पत्नी ने बोली देखो आप बाहर जा रहे हो, एक काम करो साथ में सल ले जाओ, ठंडा पड़ रहा है, और टिफिन में थोड़ा खाना में दे देती हूँ ले जाओ, हो सकता है देर हो जाएगा तो भोजन कर लेना, अगर ठंडा पड़ेगा तो उसको ओढ़ लेना। पति कहता है कोई जरूरत नहीं, अरे जा रहा हूँ अभी अभी मैं वापस चलाऊंगा। पत्नी ने कहा अगर किसी काम से अगर देर हो गई तो? पति मना कर रहा है, खाना देने का जरूरत नहीं, सल देने का जरूरत नहीं, लेकिन ये पत्नी क्या करती है, टिफिन में खाना भर करके दे देती है और सल को है सल भी दे देती, इसको साथ में ले जाओ। देखो पति तो मना कर रहा है लेकिन ये पत्नी जोर जबरदस्ती दे दी। आप ये बताओ, आप लोग ये बताओ, उसमें पति खुश होगा ना दुखी होगा? बताओ, बोलो सबके साथ, पति खुश होगा ना दुखी होगा? बताओ बताओ क्या होगा? दुखी हो, वो तो बोल रहा है जरूरत नहीं, मैं तो अभी अभी जाऊंगा आज जाऊंगा, लेकिन पत्नी जोर जबरदस्ती दे रही है, वो खुश होगा ना दुखी होगा? बोलो बोलो जोर से, बोले खुश नहीं होगा, वो तो मना कर रहा है। हाँ पति सोचेगा देखो मेरी पत्नी कितना मेरे को प्यार करती है, पत्नी मेरे को कितने प्यार करती हैं, देखो मैं मना कर रहा हूँ तभी टिफिन में खाना दे रही हूँ, मना कर रहा हूँ सल तो मत दिया करो, लेकिन जोर जबरदस्ती मेरे को दे रही, मतलब पत्नी मेरे को कितने ध्यान रखती है ना। हाँ देखो, बोले ये सबसे उत्तम सेवक है जो प्रभु की इच्छा को जान करके मना करने पर भी जो उनकी सेवा करती है, सबसे उत्तम है। बोले सेकंड, कहते मध्यम सेवक कौन है? बोले बोलने से पहले जो मन की जान के सेवा कर देता है, कहते ये मध्यम सेवक है। कहते कनिष्ठ सबसे छोटे सेवक कौन है? जब आदेश को दे वो आदेश को जो पालन करते हैं। कहते चौथा नंबर कौन है? जो आदेश देने पर भी पालन नहीं करता है। बोले सेवक, गुरुदेव कहते थे सेवक, बोले उससे से को हटा दो क्या रह जाएगा? सेवक, अगर से को हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? बक, बक मतलब होता है बगुला, बक मतलब होता है वो बगुला सेवक है। इसलिए श्री भरत जी कह रहे हैं, बोले प्रभु राम
जीवन में आप अभी तक मेरे को कोई आदेश नहीं दे, क्योंकि आपकी मन को जान करके पहले से ही मैं कर देता हूँ, लेकिन पहला बार जीवन में आदेश दे रहे हो। बोले प्रभु जी, आपका सारे आदेश का तो मैं पालन कर लूंगा, लेकिन एक आदेश को मैं पालन नहीं करूंगा। बोले कौन सा आदेश को? बोले मैं कभी भी ये माता कैकेयी को कभी माँ नहीं बोल सकता, मैं कभी माँ नहीं बोल सकता हूँ। इसलिए जो माँ शब्द है वो बड़ी प्यारी शब्द है, इसलिए सर्वप्रथम कृष्ण की मुंह से ये माँ शब्द सबसे पहला निकला। उसको बाद में कौन सा शब्द? बोले बाबा शब्द निकला। फिर तीसरा नंबर में बोले भैया है भैया। इसलिए सूरदास जी बड़ी सुंदर वो भजन इस संबंध में लिखते हैं भैया में। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हरि कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया ओ मैया 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 कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। जाओ ललन दूर कहूँ मत, जाओ
विज्ञान सब करत कुला हर Yeah.
एक एक माताएं दो दो तीन तीन माताओं का जगह लगी बैठे थोड़ी थोड़ी आगे आ जाते सब सब थोड़ा खिसक जाओ पीछे कोई खिसक नहीं रहे बारह बजे भी जम गए और थोड़ा आगे आ जाओ जो पीछे आएंगे ना वो बैठ सकते हैं और थोड़ी आगे आ जाओ बोला हरे कृष्ण जो पीछे वहाँ पर रास्ता रख लो इधर बैठने का जगह रहता है लेकिन लोग पीछे बैठ जाते हैं सब थोड़ा आगे उधर से रास्ता छोड़ दो उस तरफ से ना जो आए वो इधर आ सके सबके सब उधर रास्ता छोड़ दो उधर के सब तो बीच में देखो बीच में क्या है लेकिन वहाँ हवा आ रही है ना क्या हाँ यही चक्कर है सिस्टम वहाँ क्यों बैठ जाते हैं हाँ तब भी वो पीछे थोड़ी सी जगह रख लो सब लोग जो आए इधर से आ जाए बोला हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण जब और धीरे 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 बड़े हो रहे कृष्ण एक दिन कृष्ण चंद्रमा को देख करके मचल गए बोले मैया मेरे को चंद्रमा ला दे मैया एक प्लेट में थाली में पानी लेकर के उसमें एक मक्खन की ढेला छोड़ दी और देखा जो चंद्रमा का जो परछाई वो पानी को ऊपर में पड़ रहा था बोले चंद्रमा दे बोले लाला देख चंद्रमा को देख वो परछाई पड़ रहा था इतने में कृष्ण जब ऐसे किया ना हाथ में मक्खन की ढेला आ गई बोले यही चंद्रमा इसको तू खा ले एक दिन कृष्ण का भी दो दांत निकल गया अभी मैया जसोदा बड़ी खुश हो रही थी लाला के दो दांत आ गया एक दिन मैया उसको मुंह में अंगुल डाली दांत देखने के लिए और कृष्ण तो जोर से अंगुल को पकड़ ली दांत से बोले लाला छोड़ दे फिर छोड़ दिए तो मैया हाथ को निकाल ली जैसे साधारण बच्चे करते ना इसलिए कभी कभी कृष्ण स्तन पान करते समय कभी मुँह को छुपा लेते हैं है? कभी कृष्ण मुँह को छुपाते में कोई हम कभी हंसते हैं एक दिन नंद बाबा सोच रहे हैं अभी तक लाला को कोई नामकरण नहीं हुआ जिसकी मन में जो आए बच्चे को वैसे ही बुलाते हैं बोले कोई एक नामकरण हो जाए फिर निर्दिष्ट नाम से सबके सब बुलाया करें लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है नंद बाबा सोच रहे हैं लाला मेरो है लेकिन वसुदेव क्या सोच रहे हैं ये लाला मेरो है दोनों सोच रहे हैं लाला मेरो है और सचमुच से ये दोनों का ही ये लाला अभी श्री वसुदेव महाराज ने देखा अगर श्री नंद बाबा अगर लाला का नामकरण कर दिया है नियम पहले था देखो पहले नियम ये होता था जैसे बच्चे का कोई नामकरण करे ना जिसकी मन में जो आए टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी ये सब नाम नहीं रखते थे हैं इसलिए ज्योतिष को बुलाते थे उसका जन्म नक्षत्र देखते थे फिर उसको एक अक्षर निकाल करके वो अक्षर को पहले रख करके फिर कोई बेटा का नामकरण करते थे ऐसे नहीं हैं आप लोग भी बच्चों का नाम टुल्लू बुल्लू टिंकी पिंकी जो मुँह में आए नहीं रखना बेटा कौन होता है जो तुम्हारी परंपरा को रखा करता है ये वादा छोड़ दो पहले ऐसे नाम रखते थे उसको पिताजी की और उसको पिताजी के नाम आए क्योंकि बेटा क्या होता है लाल में पिताजी की मुखाग्नि देता है और जो श्राद्ध क्रिया यही बेटा ही करता है हैं बेटा ही करता है इसलिए पहले जो नाम होता था उसको पिता और उसको पिता के नाम आए जैसे देखो जैसे भगवान राम है आप बताओ राम का पिताजी का नाम क्या था बोलो कौन बोलेगा हाथ उठाओ भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था दशरथ दशरथ वहाँ से जो र करे ना ये भगवान का राम का पहला अक्षर और दशरथ महाराज का जो पिताजी बताओ कौन बोलेगा पहले से उनका नाम था अज वो अज से वो अक्षर लिया इसलिए यहाँ पर हुआ रा और म कृष्ण का नाम कृष्ण का पिताजी का नाम कौन बोले श्री नंद इसलिए स्ना में जो न है नंद बाबा का न से लिया अक्षर न और
जो क्री री मात्रा उसको पिताजी का नाम बोले परजन्य, वहां से पर ये अक्षर लिया वहां से। इसलिए पहले जब नामकरण करते ना इस विषय पर विचार करते थे, विचार करके ऐसे नहीं जैसे तैसे नाम रख ले बच्चों का, नहीं भगवान का नाम हो नहीं तो किसी भक्तों का नाम हो। बारंबार जब बच्चे को तुम पुकारो, हम पहले सुन रहे थे ना अजामिल कैसे छोटा बेटा का नाम नारायण रख लिया है, इसलिए नारायण नारायण बोलते बोलते अंतिम समय में केवल बेटा का नाम नारायण निकल गया, वैकुंठ चला गया। इसलिए पहले लोग क्या करते थे, एरे गेरे नाम नहीं रखते थे। कितने बड़े गुरुओं को नाम पूछो, कृष्ण गोविंद दामोदर, कितने माताओं को लक्ष्मी है सीता गीता पार्वती सब यही ऐसे ठाकुर जी का नाम रखा करते थे। लेकिन अभी बच्चों का नाम पूछो टुल्लू बुल्लू टिक्की फिक्की, जितने विदेश में सब कुत्ते हैं ना सब कुत्तों का नाम बच्चों को धरवाते हैं। बोले हाँ बेटा का नाम भगवान के नाम, ये तो पुराना समय का नाम था, अभी तो बच्चों को हम अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं ना अंग्रेजी नाम रखवाए। आप वृंदावन जाना इसको मंदिर में देखना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों अंग्रेजी बच्चों को नाम पूछ करके देखना, कृष्ण गोविंद दामोदर है कन्हैया सब भगवान का नाम। लड़की को पूछना राधा गीता सीता सब भगवान का नाम, कोई टुल्लू फुल्लू टिक्की फिक्की सब कुत्तों का नाम नहीं रखवाते। इसलिए विदेशी लोग तो हमारी संस्कृति को ग्रहण करें और हम उनका झूठन को खा रहे हैं, इनके झूठे को खा रहे, नहीं अपना संस्कृति को नहीं भूलनी चाहिए। अरे कम से कम जितना बार बच्चों को बुलाओगे मुंह से तो नाम निकलेगा, जीवा तो पवित्र होगा। जिस घर में भगवान के नाम गूंजेगा वो घर तो कम से कम पवित्र होगा ना है। जिस घर में ठाकुर का नाम निकले ना ठाकुर का नाम, वो सारे घर का पाप घर से निकल जाती, सारे पाप निकल जाएंगे हैं। और लास्ट में जो भगवान के नाम लिए होंगे ना, जब जाओगे वहाँ पर देखोगे जितना बार नाम लिए ना सब उतना बार वहाँ पर ठाकुर जी को रजिस्टर में लिखा हुआ होगा कितने तुमने ठाकुर जी का नाम लिया है। इसलिए मीरा कहती है ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जितने प्रभु का नाम जब करोगे वही धनी मिलेगा, जग में सभी को पायो, जग में सब बेकार है ठीक है। इसलिए अभी श्री गर्गाचार्य को वसुदेव महाराज बोले आप तो त्रिकाल दृष्टा ऋषि, आप थोड़ी सी जाओ गोकुल में और मेरे लाला का नामकरण करके आओ और ऐसे एक नाम रखी हो जो मेरे नाम से जुड़ता हुआ नाम हो। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है भगवान के नामकरण करना। अभी कृष्ण तो छोटे बच्चे, अब देखना बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है, गोद में उठता है बैठता है दाढ़ी पकड़ता है कपड़ा जैसे नोचता है, और भगवान को गोद में लेना बड़ा प्रसन्न हो गए। और श्री नंद बाबा के घर में आए, आ करके उन्होंने जब नंद बाबा का घर में आए नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए बोले महत विचलनाम नृणाम गृहनाम चेतसाम। बोले साधु लोग हमारे घर में क्यों आते हैं, घर में किस लिए साधु लोग आते हैं, वो हमसे लेने के लिए नहीं हमें देने के लिए आते हैं। बोले क्या अंत बाबा को बुलाते हैं प्रणाम देते हैं वो हमें क्या देते हैं, बोले वो एक बहुत बड़ी चीज हमें दे करके जाती है। बोले दिन भर हम क्या सोचते हैं, देखना सवेर से लेकर के सोते तक नींद खुलते घर में नमक है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं, चीनी है कि नहीं, तेल है कि नहीं, देखना दिन भर दिमाग में हमारा यही चीज घूमती है, तेल नमकी हल्दी में पूरा दिन भर इसी में चक्कर काटती है। और सोने तक भी वही चीज सोचते सोचते सवेरे सब्जी है कि नहीं, आलू है कि नहीं, देखना चावल है कि नहीं, दिमाग हमारी इसी चीज में घूमती रहती है, जीवन ऐसे ही हमारे बीत जाती है। लेकिन साधु लोग हमारे घर में क्यों आते हैं, भगवान कहते हैं कि हमें जगाने के लिए आते हैं। बोले उत्तिष्ठत जाग्रत, बोले जगो उठो, बोले हम तो जगे हुए, बोले नहीं माया की नशे में तुम सोए हुए हो जगे नहीं हैं। भगवान से क्या वायदा करके आया था भजन करने के लिए ना, मैया के पेट में तुमने क्या बताया था प्रभु हमें ये मानव शरीर तो उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, अभी क्या कर रहे हो, कितने समय टीवी देख रहे हो, कितने समय बहू बेटी की बात कर रहे हो हैं, जगो उठो भगवान की नाम जप करो, ठाकुर जी की नाम लो भजन करो। इसलिए संत लोग हमें जगाने के लिए आते हैं। इसलिए श्री नंद बाबा कहते हैं जब तक घर में साधु संत नहीं आए ना तब तक ये घर हमारे पवित्र नहीं होता, घर का मंगल नहीं होता है,
तब जब संत लोग घर में आए, हरि कीर्तन हरि चर्चा हो, उनकी चरण धूलि हमारे घर में पड़े, तभी जा करके ये घर पवित्र होता है। नहीं तो घर पवित्र नहीं होता है, हैं? नहीं तो सारे यार दोस्तों को बुला करके, एक संत कह रहे थे अभी हमारे घर में साधु नहीं आते हैं। बोले कौन आते? बोले जुआरी आते हैं, शराब भी सबके सब आते हैं। घर में कोई अतिथि नहीं, शराब भी जुआरी सब आ रहे हैं। और इन्हीं के लिए हमारे घर में घर खुला हुआ है, लेकिन भक्तों के लिए घर खुला हुआ नहीं है। इसलिए गर्गाचार्य श्री नंद बाबा कहते हैं आज तो मेरा घर पवित्र हो गया, क्यों? घर में संत आए, घर में अभी घर में हरि चर्चा होगी, हरि कीर्तन होगी। बोले जिस घर में हरि कीर्तन हरि चर्चा हो वो घर गोलोक वृंदावन बन जाती है। उन्होंने श्री गर्गाचार्य जी के चरण को स्पर्श किए, चरण धोए, चरणामृत लिया और उनको आसन दे करके बैठाए। और नंद बाबा ना अपने आप बोल उठे, बोले गर्गाचार्य जी जब आप कृपा करके आए हो, अभी तक मेरे लाला का कोई नामकरण नहीं हुआ, पर इस मेरे लाला का नामकरण कर दो। वो तो खुश हो गए, बोले जाओ दोनों बच्चों को ले आओ। अभी कृष्ण बलराम को उन्होंने ले करके आए, आ करके उन्होंने माता जी बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो गई? वहीं पर बैठ, बाद में पैसा देना, वहीं पर बैठ, वहीं पर बैठ जा माता जी। इसलिए श्री इसलिए श्री बोले बोले जसोदा रोहिणी को बोलो दोनों बच्चों को ले आए, अभी बड़ा बेटा का नामकरण होगा। बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहीद गुणई। बोले देखो ये जो रोहिणी के बेटा है ना, वो अपना सुंदरता से सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इनका नाम होगा राम, राम और राम होगा। और बला धिक्यात बलम विदु, बड़ा हृष्ट पुष्ट होगा, बड़ा बलवान होगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम, इनका नाम होगा। और इसका एक नाम होगा शंकर सैन, क्योंकि ये पहले आए श्री देवकी गर्भ में और इनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की, इसलिए इसका एक नाम होगा शंकर सैन। अगर कभी जदु वंश में, अगर गोप वंश में अगर कभी लड़ाई हो जाए ना, ये बच्चा लड़ाई होने नहीं देगा, सबको आपस में प्रेम पूर्वक रखेगा, इसलिए भी इसका नाम संकर्षण होगा। अभी कृष्ण का नामकरण करेंगे। जब गर्गाचार्य आंख बंद किए, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने देखा, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंत, अभी तो इस चिंता में पड़े गए, भैया इनका नाम क्या करूं? जिसका एक दो चार पांच नाम होना, तब तो कोई एक नाम दे दो, ये विश्व ब्रह्मांड में जितना नाम सब इनका ही नाम है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी एक बड़े सुंदर कीर्तन लिखते हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन, बगला कीर्तन, कहते हैं बल हरि नाम तुआ अनेक स्वरूप, 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 हरि नाम तुआ
बाबा तो बड़ा उतावला हो रहे हैं। अरे छोटा बेटे का नाम क्या होगा तो बताओ, उनको पकड़ करके हिलाए। अभी उन्होंने आज बोले, बोले बताओ तो लाला का नाम क्या। बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृणो तो अनुजुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीत इदानी कृष्ण तांगत। बोले बाबा तेरा ये जो लाला है ना, ये हर युग युग में आता है। ये सत्य युग में शुक्ल वर्ण कर धारण करके आया था। कभी ये देश में अकाल भी पड़ा, बड़े दिनों से बारिश नहीं हुई, लोग मर रहे थे सबके साथ, 10-15 साल से बारिश नहीं हुई। अगर यहाँ पर 2-3 साल बारिश नहीं हुई तो क्या होगा बताओ, हाहाकार मच जाएगा। अगर गड़ी में एक दिन पानी नहीं आए बताओ क्या होगा, सब गड़ी चढ़ कर भाग जाएगी। ये पानी ऐसे की चीज है। अभी ऐसे अकाल पड़ा, ऐसे अकाल पड़ा, 15 साल तक बारिश नहीं, सब लोग मर रहे थे। हाँ देखो ध्यान देकर सुना, जब श्री पृथ्वी महाराज, भगवान पृथ्वी महाराज रूप में आए, पृथ्वी को उन्होंने शासन किया। उन्होंने प्रश्न करते, हे पृथ्वी तू अन्न क्यों नहीं देते हो। जैसे कोई बीज बोए ना खत्म, वो वृक्ष ही नहीं हो, ये पृथ्वी हरण कर लेती थी। तब उन्होंने पूछे, जब इधर देखो मेरे तरफ में, इसलिए उन्होंने पूछा, हे पृथ्वी तू अन्न क्यों नहीं दे रहे हो। देखो वो बड़ी अच्छी बात कह रही है। बोले प्रभु जी अगर बच्चे कभी नालायक हो जाए ना, बच्चे कभी अगर बात नहीं सुने पिता माता की, फिर पिता माता क्या करते हैं, शासन करते हैं। बोले इसलिए मैं अन्न नहीं दे रही हूँ। इसको पहले एक राजा हुए जिनका नाम था बैण। वो जो बैण राजा वो बड़ा नास्तिक था, भगवान की भजन भजन कुछ नहीं करता था, और बोलता था मैं ही भगवान हूँ, नाम लो तो मेरी नाम लो, पूजा कर तो मेरी ही पूजा करो, इसलिए भगवान भगवान कुछ नहीं, और यज्ञ कर तो मेरे नाम पर यज्ञ करो। जब उन्होंने भगवान की पूजा पूजा को बंद कर दिया, अभी पृथ्वी दुखी हो गई। क्योंकि ये पृथ्वी को किसने स्थापन किया है, भगवान वराह अवतार भी। जब मनु महाराज सृष्टि करना चाहते थे, ये रसातल में चली गई थी ये पृथ्वी, भगवान वराह अवतार लेकर के उन्होंने पृथ्वी को उद्धार किया और इन्होंने ये पृथ्वी को स्थापन किया। इतने में माँ पृथ्वी, इतने में भगवान ये पृथ्वी को प्रश्न कर रहे हैं। बोले पृथ्वी अभी ये सृष्टि का क्रम बढ़ेगा, धीरे धीरे सृष्टि की रचना होगी, बताओ ये जीव तो तुम्हें कुछ देनी चाहिए ना। जैसे पृथ्वी के ऊपर में खाते हो पीते हो, टाटी पेशाब करते, सब कुछ करते हैं पृथ्वी के ऊपर में। पृथ्वी कुछ बोलती है आपको, पृथ्वी कुछ बोल के कुछ नहीं बोलती है। तब भगवान ने पूछे, बोले माँ पृथ्वी बताओ ये जीव को तो तुम्हें कुछ देनी चाहिए ना। देखो पृथ्वी क्या कह रही है। बोले हे प्रभु अगर ये जीव तुम्हारी भजन पूजा करे ना, इसी में ही मैं संतुष्ट होगा। क्यों, आप ही ये दुनिया को सृष्टि किए हो। लेकिन बैण ने बोले मेरे देश में कोई कीर्तन हरि भजन नहीं कर सकते, प्रभु का भजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए पृथ्वी बोली हे प्रभु सृष्टि आपने किया, दुनिया तुम्हारा, अगर ये जीव अगर तुम्हारी भजन नहीं करे फिर मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने जान बुझ कर सब कुछ हरण कर लेती हूँ, इसलिए ये बारिश नहीं हो रही है। हाँ तभी मैं सारे चीज दूंगी, अगर ये जीव तुम्हारी भजन करे भक्ति करे फिर तो मैं सारे चीज देने के लिए राजी हूँ। बोले ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ सारे जीवों को मैं प्रभु का भजन कराऊंगा, भगवान की भक्ति कराऊंगा, पृथ्वी राजी हो गई फिर तो मैं सब कुछ दूंगी। उनने सब कुछ पृथ्वी से ग्रहण किया है, पृथ्वी सब कुछ देने लग गए। देखो इसका मतलब है, अगर आप लोग जब तक भजन करोगे ना, ठाकुर जी की भक्ति करोगे, भगवान प्रसन्न रहेंगे, हैं प्रसन्न रहेंगे, फिर तो ये दुनिया में सब कुछ ठाकुर जी देते रहेंगे, सब कुछ ठाकुर जी देते रहेंगे। आप लोगों को पता है अभी हर देश में एटम बम बना करके रखे, अगर इस बार विश्व युद्ध अगर छेड़ गया ना, हम लोग कोई नहीं रहेंगे। वो ऐसे ऐसे एक एटम बम बनाया, वो एक दो गिरा देना सबके सब खत्म हो जाएंगे, सब एक दूसरे को भक्ति दे रहे हैं।
की कोई अभी कम नहीं है, सब जैसे आत्मा को बना हुआ। हाँ देखो ये सब तक ही आत्मा भाव में नहीं गिरेगी, तुम पता है जब तक आप जैसे भक्तों के चक्कर में होंगे, चला जब जल्दी बन जाओगे, खुले दम ले जाओगे, भजन करेंगे ना, तब तक ही आत्मा भाव में नहीं गिरेगी। बोले क्यों नहीं गिरेगी, कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरे भक्तों का विनाश नहीं, अगर ये आत्मा भाव में गिरेगा ना क्या होगा, हम लोग जो माला कर रहे हैं ना भक्ति कर रहे हैं मर जाओगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं मेरे जो भक्ति करते हैं ना उनका मृत्यु नहीं है, इनका मृत्यु नहीं प्रलय हो जाएगा, लेकिन मेरे भक्त लोग कभी मरेंगे नहीं। इसलिए सबको जब तक गले में कंठी माला तिलक लगाओगे ना तब तक मरने वाले नहीं, आत्मा भाव नहीं गिरेगा। जब ठाकुर जी देखेंगे ये लोग तो और कोई भजन नहीं कर रहे, कोई भक्ति नहीं कर रहे, भगवान बोलेगा इस दुनिया को रख करके कोई लाभ नहीं, अब ये दुनिया को नष्ट कर दो, फिर तो बुद्धि देने वाले कौन है। कृष्ण गीता में कहते हैं ददामि बुद्धि युगल, मैं ही ये बुद्धि जो देने वाला मैं हूँ, फिर तो जैसे बुद्धि देंगे ना फिर आत्म रोग गया से खत्म हो जाएगा। इसलिए सबके सब क्या करो, भगवान की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो, भक्ति भजन करोगे ठाकुर के हर समय में रक्षा करेंगे, कभी मदद नहीं देंगे ठाकुर जी। इसलिए सब हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कोई भी बोलता नहीं चला रहा, कितना बात नहीं, सब चुपचाप कितना हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पीछे के बच्चा बैठा हुआ उसका आवाज हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम तुम्हारे लाला ये श्री चैतन्य महापुरुष ने कहा पर नाना पर जन्म ग्रहण करेंगे और सर्वत्र ये हरि कीर्तन प्रचार करेंगे और ऐसे वो हरि कीर्तन प्रचार करेंगे महापुरुष का भविष्य बनेंगे पृथ्वी के आगे जाकर अगर आएगा सर्वत्र प्रचार रहेगा करना। इसका मतलब है कि पृथ्वी में जितने नगर ग्राम है इसकी एक आएगा सारे लोग प्रसन्न होकर मेरे नाम ग्रहण करेंगे। तो कहाँ आएंगे श्री नगर की धाम में इसलिए ये प्रॉपर जितनी दर्जा चाहती है राम को बता देते हैं और इससे समझो हम लोग कहना जिसको किसको भगवान बोलकर घर में पूजा करना शुरू कर देते हैं, जिसको किसको पूजा करना शुरू कर देते हैं, भगवान भगवान कोई नहीं केवल हमारे एक ही भगवान से ही गोपाल जी एक श्री गिरिराज बाबा है हमारे तो भगवान और कोई हमारी भगवान भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं केवल हमारे कृष्ण ही भगवान है। भगवान कभी इसी जगत में आते हैं सब लोग वो भी यहाँ पर आए हैं ताकि ये सब चीज ठीक रहे हमको। इसलिए आप
भगवान बोल करना जिसको जिसको किसी ने सुना हुआ। और एक बात भगवान के कृष्ण हमारे नाम है, भगवान का नाम ज्ञान हजार साल से बढ़ा चुके हैं। हम कितना भगवान के नाम में कभी सुना देखा, भगवान कृष्ण 125 साल में किचन को सकते हैं, कृष्ण कभी पूरे होते नहीं कभी। आप भगवान राम और कृष्ण का दाढ़ी देखे हो, इनकी मोच देखे हो कभी, कभी मोच नहीं दाढ़ी नहीं, कभी बूढ़े नहीं हुए। जब भगवान कृष्ण ये दुनिया से गए, पूरा अपना वृंदावन धाम लेकर गए, जब भगवान राम ये दुनिया से गए, पूरा अयोध्या वासियों को उन्होंने लेकर के पूरा अयोध्या केवल एक राम केवल एक हनुमान को छोड़ कर गए। भगवान कहाँ पर चले हुई अयोध्या में, उनकी धाम एक है। भगवान कृष्ण कहाँ पर जन्म लिए वृंदावन में, इनकी धाम एक है। लेकिन अभी जो नए नए भगवान आ गए हैं, किसी को भी सखा देती है, जितना कोई परिवार है, जैसे भगवान राम हनुमान की सेवा की है, कृष्ण को गोपिया सेवा की, ये सब है। इसलिए समझो भगवान कभी वर्ष नहीं, भगवान कभी बुढ़ावी नहीं होते, और भगवान अपना धाम समझ जाते हैं। इसलिए जिसको जिसको भगवान बोल के घर में पूजा मत करो, या भगवान कृष्ण को पूजा करके तुम्हारे मन भरा दी और हृदय भगवान की जरूरत होती है, ठीक है। जिसको जिसको अभी कल सुनेंगे ना, कृष्ण अग्निपान किया, अभी जो भगवान हमको आग ला करके देखो, भगवान कृष्ण ने काली और सर पर नृत्य की है, पानी उबला करता था उसके जड़ में, लेकिन कृष्ण भी वहां पर तैरने लगे। लेकिन अभी जो भगवान के जो भगवान भगवान कोई नहीं था, पागल नहीं सकते थे, जिसको जिसको देखिए भगवान भगवान के लिए भारत लग जाते। इसलिए आज भगवान को जाना कर दिया गिरिराज से, भगवान राम और कोई भी भगवान भगवान नहीं है। बस श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद से श्री चैतन्य महाप्रभु से नमस्कार करते आगे के सर्वत्र हरि कीर्तन को प्रचार करेंगे। और अभी वो जो भजन आ रहे हैं, बोले गीता में अभी वो कृष्ण होगा भगवान आए, इसलिए एक नाम उसके कृष्ण होगा। देखो तेरे जो गंगा है नाम, इसमें गुरु जी नाम है, अनंत नाम है, अनंत गुण है, वेद में किसका कोई ठिकाना नहीं पाते हैं। लेकिन वहां पर प्रिया जगदा बैठी हुई थी, अभी प्रिया जनता पूरी हो गई, क्योंकि पूरी उम्र में लगा है, पूरी उम्र में कृष्ण हुई। भैया सोच रहे हैं ये पंडित पंडित जी कोई साफ की बात नहीं बता रहे, बिना काम की बात पता चला, अरे ये युग में ये था, ये युग में ये था, अरे हमारे क्या मतलब है। हर माताएं क्या सोचती है, जल्दी जल्दी बेटा बड़ा हो जाए, शादी हो और घर में बहू आ जाए, क्योंकि जब तक वो बहू नहीं आएगी ना, माता को सारे काम करना पड़ता है। लेकिन घर में जो बहू आ जाती है, हर माता को विश्राम देता हूँ। इसलिए मैया सोच रही थी मैं बूढ़ी हो गई, कब तक घर का काम संभालू। पंडित का ये बताए लाला कब बढ़ाएगा, शादी कब होगी, घर में बोली कब आएगी, और ये काम को संभाले हुए मैं पूरी बन कर कब तक काम करते रहूंगी। इतने में श्री दुर्गाचार्य जी के जो श्लोक बने, एक जो श्लोक है ना, पर कई से एक श्लोक था, भैया तो सिद्ध साथ में भूली जाती है, वो एक बात तो बता रहे थे, लेकिन भैया अपना मन मन से लेकर आ रहे थे। देखो वो श्लोक में कहते हैं, बोले बहुनी संति नाम हानि, तेरे बेटे का बहुत नाम गुण रूप हुआ। लेकिन भैया सोच रहे थे बहुनी संति नाम हानि, मतलब मेरे नाना की बहुत सारी बहुएं हुई। भैया इस वजह से अर्थ लग रहे थे, अच्छी तो बात है ना, जितने बहु वही की सास को तो उतना चला मिली, वो तो खुश हो गई। सतमुच से कभी कृष्ण वृंदावन में थे राधा की पत्नी, चंद्रावली ललिता विशाखा चंद्रलता मनोविद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी ऋतु मंदिर
कृष्ण ग्रंथ जाने द्वारका में अरे 16108 पटवारियों से शादी होती है भगवान की। भैया खुश हो गए, पति के भी काम की बात बताए हैं। लाला की बहुत सारी गौरव हुई, देखो कहीं जिसको जितना स्त्री होता था ना उसका उतना नाम होता था। आपको पता होगा एक स्त्री को संभालना करने में उतना कठिन है, एक स्त्री से अगर शादी करके जीवन जीत जाओ तो संध्या गंगा में हमने नहा लिया, गंगा में हाथ धो लिया समझना। और जिसको घर में इतनी बहुएं वही है 16108 बटवारियां, तो ये कोई साधारण बात है। इसलिए लोग बोलते थे बोले बाबा रे ये राजा इतने बटवारे हैं, इतने लकड़ी का सोना हो रहा है, साधारण बात के नाम होता था। भैया बड़ी खुश हो गई, पंडित तो जी को चल रहे थे लाला को गिरा करके, बोले लाला को आशीर्वाद दो। और उन्होंने गर्गा चार के बाबा सुंदर होने ने प्रतिज्ञा किया है, बोले बाबा लाला को थोड़ा आशीवाद दो। गर्गा चार के गुप्त कृष्ण को आशीर्वाद देकर के चली गई। जब चली गई इतने में जितने बड़ी बड़ी गोपियां थी, भैया जशोदा से बोले कि पंडित जी लाला का नाम क्या रखोगे? उन्हें बड़ा बेटा का नाम रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। तो नाम तो बड़ा बढ़िया है, लेकिन ये जो कृष्ण नाम ये जीवा जब तक तीन बार फल नहीं जाएगा ये कृष्ण नाम नहीं निकलता है। बोले ये काम करो, ये नाम तो पंडिता में रहने दो, लेकिन हम अपना घर का एक नाम रख लेते हैं, बड़ा बेटा का नाम रखते बलुआ और छोटा बेटे का नाम रख लेते कन्नुआ। बलुआ बोल करके लाला को बुला कर दो, बोले श्री कन्नुआ बलुआ की जय श्री राम, वृंदावन बिहारी राम की जय, जय श्री राम की जय। मधु मैया यशोदा से कन्हैया कह रहे हैं कि मैया हो तो सब देखी जाए, पहले मेरा प्रणाम करा दे। मैं सभी लोग इस भजन में नाचे मुराद जी
Thank you.
बहुत लोग भी आएंगे प्रसाद पाने के लिए।
इसलिए ये कहने के मतलब मैंने कृष्ण की मैंने पूछा था इस बार कैसे क्या हो रहा है, बोले सब तो बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छी चल रही है, आपको खैर मैंने आती करके मेरे प्रसाद आपको दे रही हूँ जाना जो कीमत देना जो जब सीमा आएगा एक बार कीमत 10 रुपया की मुझे कमर में इसलिए लेकिन जैसे पिछले बार पैसा अच्छी पैसा आ गया था इसलिए बड़े धूमधाम से हर चीज को किया है लेकिन इस बार पैसा जितना अधिक चाहिए उतना नहीं आए इसलिए इस बार थोड़ी सब दिक्कत हो रही है इसलिए मेरे को खुद रह के रथ यात्रा कैसे करेंगे क्योंकि भक्त लोगों को बुलाना पड़ेगा मेरे को सबको देना पड़ता है ठाकुर जी में लेकर के आते हैं इसलिए मेरे को भी बोल रहे थे सबके साथ इसलिए मैंने कहा था अगर किसको संभव हो सके थोड़ी सी कोई चावल दे दो थोड़ी सी कोई पास्ता दे दो है कोई सब्जी दे मुझे तो अच्छे तरह से सब अच्छे तरह से ये उत्सव हो जाए बढ़िया तरह से और जो भगवान की कथा में भागवत कथा में जो केवल एक अन्न का दाना देता है केवल एक अन्न का दाना देता है उसको घर में कभी अन्न वस्त्र की कभी उस घर में कभी नहीं रहती है माँ लक्ष्मी उसको घर में भरपूर रहती है जैसे सुदर्शन जी ने कृष्ण को किया दिया वो मुझे केवल उन्होंने किरवा दिया लेकिन ठाकुर जी उनको त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी उनको दे दिए इसलिए भगवान की सेवा में मेरा बड़ा सौभाग्य की बात इसलिए कृष्ण तो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है जब दुर्योधन को पास में गए दुर्योधन ने उनके लिए छापन हो और छत्री से व्यंजन बनाए थे लेकिन ठाकुर जी एक बार भी देते थे लेकिन गए शिखर जी के घर में और वहां पर केवल उन्होंने साग भाजी खाई केले का छीका खाकर भगवान संतुष्ट हो गए इसलिए भगवान जिसकी वस्तु ग्रहण करते हैं वो बड़े सौभाग्य बना उनको किसी चीज की कमी नहीं ठाकुर जी की इसलिए आप लोग से प्रार्थना है कुछ भक्त लोग ने एक चावल दिया आटा भी दिया है जब हम सिर्फ
तेलंगाना के नाम से पुरुषोत्तम देव है। आज से तेरा नाम से पुरुषोत्तम महिला बन कर ख्यात होगा। साधारण लोग तो इसी महीना में कोई अच्छे काम करेंगे नहीं, लेकिन मेरे जो भक्त लोग हैं ना इनको बड़े आदर देंगे। भक्त ना बेचारे बड़ी महिमा गाएंगे। अगर इसी महीना में थोड़ी सी मेरी कोई भक्ति कर लियो, जैसे भागवत कथा सुन रहे हो, ये सबसे बड़ा पुण्य है भागवत कथा सुनना। इससे बड़ा जगत में कोई पुण्य नहीं हो सकती। और सात सात दिन तक कथा सुने, प्रसाद पाए, नाचे कूदे, हम सोच भी नहीं सकते हो इसका पुण्य महिमा। पुरुषोत्तम महिमा भी श्री पुरुषोत्तम जी कथा सुनना। स्वयं ठाकुर जी बोले कोई एक माला करेगा तो 100 माला करके फल मिलेगा, एक बार परिक्रमा करेगा तो 100 बार परिक्रमा करके फल मिलेगा, एक कथा सुनेगा तो 100 कथा सुनने का फल मिलेगा। भगवान कुछ कहते हैं अगर इसी महीना में आप यहाँ पर इतना पता नहीं चलता, वृंदावन के जाओ 36 घंटा वृंदावन की परिक्रमा, 84 क्रोश की परिक्रमा। मैं कल से भी एक काका की जरूरत गया था, उनका जो प्रभु थी वो रेजिमेंट से फोन से बात कर रहे थे, वो 84 परिक्रमा करने चले गए। गिरिराज ने तो रोज रोज 3-3, 4-4 लोग वहां परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज को। इसलिए इसी महीना में भगवान की भक्ति और भगवान की भजन कथा सुनने का बड़ा महत्व है। इसलिए श्री जगन्नाथ जी ने गर्भान किया है। इसी महीना का नाम बड़े नाम पर पुरुषोत्तम महीना होगी। अब इसी महीना में थोड़ी सी भक्ति से ज्यादा बल मिलेगा। मेरे इसी महीना में जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी उनके नाम पर पुरुषोत्तम उनकी रथ यात्रा समझो तो संत चार चांद लगे हैं, कथा में तुम्हारी चार चांद लगे हैं। इसलिए परसों आप सबके सब साथ फंस गए थे। कौन सा रंग के कपड़ा पहन कर जाओगे साड़ी, कौन सा अखिला से मतलब आप दिला रहे थे और कोई नहीं और दूसरे की रखा नहीं, अगर नहीं हो तो उधार करके बैठ जाए। लेकिन पहले करता है दिला रहे जैसे कि गरीब है एक तो जैसे पहले का बच्चा ऐसे कीर्तन हो ऐसे नाचे, जैसे मैं दूसरे दूसरे जगह में भी कथा करके मिल जाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो भक्त लोग देख रहे हैं ना अकेला अकेले नहीं आना, पूरा परिवार को लेकर जाना। और इसलिए हम संडे का दिन रख रहे जगन्नाथ जी रख रहा संडे का दिन रख रहे हैं सबके सब लोग जैसे सुबह आ सके। ठीक है, हमारे जो दूर दूर से जो मित्र हैं उनको भी लाना, घर में जो देवियां आई ना हमारे देवता को भी लेकर जाना, अकेले अकेले नहीं आना, हमारे पतियों को भी साथ में लेना, बच्चों को मिलने करके साथ साथ आना। ठीक है, और ये जिस रूप में ये जगन्नाथ जी जाएंगे इनका घर आएगा, हम कोशिश करना है बता आरती करने का, भगवान को स्वागत करने का बड़ा पुण्य। जिन जिन की घर को सामने जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे कोशिश करना था तो आरती उतारने का जो जी को ठीक है इतना काम रहेगा। और पिछली बार तो मुझे लगता है बहुत सारी जगह पर यहाँ पर स्वागत किया था, कोई लस्सी पिला रहे थे, कोई पानी पिला रहे थे, कोई जूस पिला रहे थे, पूरा कड़ी डाल रहे गाँव गाँव में कड़ी गाँव में सब गाँव का भरा गया, हर चीज में कड़ी गाँव सब गाँव भरा गया। इसलिए कड़ी गाँव के मतलब बड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पूजे कृष्ण पूजे पूजे नहीं सकते सबके से पूजे नहीं रहा हम लोग। इसलिए इसलिए हम पूरे धूमधाम से रथ यात्रा मनाएंगे। इसलिए सबके साथ जय जगन्नाथ महाप्रभु की जय। जय श्री हमारे बीच में एक प्रभु जी आए हैं, ये आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, ठाकुर की कथा सुनाएंगे। Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gaura Bhakta Vrinda
सरलता से श्री भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो
उसका केवल एक ही मार्ग है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप विनाशनम् पुराणं कृष्णमलं तमन भावे हरिपदम्। श्री भगवान का नाम संकीर्तन ही मूल है, क्योंकि विश्वास नहीं विश्वास है कदा रुद्धो भविष्यति, ये श्वास है इसको कोई विश्वास नहीं है, ये आप चल रही है कल को रुक जाए कहाँ रुके हो इसका कोई भरोसा नहीं है, तो क्या करो कीर्तनो मतो पाल लेना, पाल में काल से भी जो है कीर्तन करना शुरू कर दो। कोई कहे हमारे तो बात में क्या, हमारे तो बुढ़ापा में निकल गया हमने कीर्तन नहीं किया, सारे जंगल गए हमने ग्रह संसार को दे दिया और हमारे शरीर में बात तो बचा नहीं है, क्या करें। जिससे क्षण सुना कि श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन करना चाहिए उसी क्षण ही श्री भगवान के नाम को लय ग्रहण कर लेना चाहिए। श्री रामायण संप्रदाय की एक बहुत ही सुंदर घटना नाम संकीर्तन से संबंधित है। श्री रंगम क्षेत्र में एक पुजारी नित्य श्री भगवान की सेवा करने के लिए उपस्थित होता था, मंगला के समय जाते थे तो मंगला के समय तो बहुत अंधेरा होता है। एक दिन वहां जा रहा तो मार्ग में एक चांडाल, चांडाल माने कुत्ता है ऐसे ऐसे है हमारे भारत वर्ष में, तो कुत्ता भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, सांप भी खाते हैं, अलग अलग तत्व आदि लोग हैं। तो ऐसे ही एक चांडाल जो कि किसी प्रकार का आचरण पहले किया करता था, यहाँ वाला जो श्रीरंगम क्षेत्र की पुजारी है जा रहे हैं मार्ग में अंधेरा में कुछ दिखा और गलती से इनका पैर उस चांगदार को स्पर्श कर, अब स्पर्श कर गया इन्होंने उस चांगदार को बहुत जोर से पकड़ काट दिया और मार दिया। तू निर्लज्ज, तू अपवित्र व्यक्ति, मैं सिर्फ श्री भगवान को वंदना करने जा रहा हूँ, स्पर्श हो गया मेरे को, मेरे को पुनः स्नान करना पड़ेगा। बहुत मैं उसको डांटा और जाकर के श्री भगवान के मंदिर पहुंच गया। अब रोज श्री धातु जी का जो मंदिर था वो एक ही चाबी थी उससे खुलता था, लेकिन आज क्या कर रहे हैं पूरा प्रयास करने वाला, लेकिन श्री धातु जी का जो पट है वो खुलता नहीं। बहुत प्रयास किया, सबसे पूछा मैंने भैया इसी चाबी से रोज खुलता आज खुलता क्यों नहीं है। श्री भगवान से प्रार्थना की, लगता है कि हमसे कोई अपराध हो गया, लगता है हमसे कोई त्रुटि हो गई, भूल हो गई। तो श्री भगवान ने स्मरण स्मृत होकर के कहा, बोले देखो तुम अभी मार्ग में आ रहे थे ना, बोले हाँ, तो तुमने क्या किया, बोले चांडाल मेला हुआ था हमने तो उसको पता भाग दिया, आखिर तो अपवित्र व्यक्ति हमारे सामने कहाँ से आ गया। तो श्री भगवान ने कहा वो बाह्य रूप से फिर भी चांडाल योनि में पैदा हुआ है, जाति में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी चौहार पर हमेशा मेरा इनाम रहता है, तो तुमने आज उसका भीषण अपराध किया है और इस अपराध का फल क्या है कि आज के बाद तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। तो बोले इसमें अब इससे निवृत्त कैसे हूँ, मैं पुनः आपका दर्शन कैसे प्राप्त करूँ। तो बोले आप उसे चांदाल को क्या करो, अपने कंधे पर बिठाओ, अपने कंधे पर आरोहित करो और आरोहित करते मेरी चार पर सवाल करो। उस पुजारी ने वैसा ही किया और जो ही उसने वैसा किया और सारे के सारे अपने अपराध पाप से मुक्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य कि एक चांदाल अगस्त भगवान का नाम संकीर्तन करता है तो वहां इतना युद्ध हो जाता है कि बड़े बड़े साम और यजुर के भी व्यक्ति है वह करने का सामर्थ्य उसमें हो जाता है, क्योंकि ये नाम ही मूल है। यहाँ से आप क्या लेकर के जाए, सर्वप्रथम यहाँ से हम लेकर जाए कि हम भक्तों से मित्रता रहना चाहते हैं। जीवन में मित्र हर कोई बनाता है, अगर सही मित्र बनाएंगे तो सही राह पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आकर के हम भक्तों से मित्रता बनाए, हम उत्तम श्लोक जनेशु भागवतम ने कहा कि भगवान अगर आप उसको वास्तव में कुछ देना चाहते हैं तो ननाद कृष्ण में चपाया देश का मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोले कि आप भूमंडल का राज्य ले लीजिए, बोले नहीं चाहिए। आप भूलोक का राज्य ले लीजिए, बोले नहीं चाहिए। मैं योग सिद्धि ना प्रणाम करते हैं योग सिद्धि लेंगे, बोले वहां भी नहीं चाहिए। बोले अच्छा नित्य लेंगे, बोले वहां भी नहीं चाहिए। बोले भैया तुम्हें चाहिए क्या, मैं हर चीज देने को प्रश्न पुत्र क्या मांग रहे हो। बोले मुझे कुछ मत करो, मुझे एक चीज दे दो बस, क्या। बोले मंत्रोत्तम श्लोक जनेशु सत्यम, जो भक्त निरंतर आपके धर्म कथा पाए, जो हमें श्री भगवान का नाम संकीर्तन करने के लिए प्रेरित करे, वह भक्त जो पुनः पुनः हमारी चेतना को संसार की ओर जा रही है, बार बार अपनी वाणी से हमारी चेतना को खींच करके श्री भगवान के चरणों में प्रस्तुत करे, हमें केवल आप ऐसे भक्त का निरंतर संग दीजिए। उनके संग से लाभ क्या होगा, उनके संग में आकर के सर्व कथा हमें पता चलेगा कि हम
यहाँ शरीर नहीं है, भगवान है, भगवान दास है, हम सब श्री भगवान के दास है। अच्छा बोलिएगा अब अनुभव कैसे हो, उस अनुभव के लिए सर को तुम क्या करेंगे, हमें शुद्ध साधु के निकट आकर के उससे मंत्र दीक्षा ग्रहण करें, साधु के निकट जाएंगे प्रार्थना करेंगे कि आप हमें मंत्र दीक्षा दीजिए, क्योंकि बिना किसी सत्य संप्रदाय में दीक्षित हो श्री भगवान की प्राप्ति असंभव है। अच्छा मंत्र कौन सा प्राप्त करेंगे, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यहाँ श्री शिव जी ने पार्वती को बोला देखो कलयुग का सबसे श्रेष्ठ मंत्र यही है, अन्य अन्य मंत्रों को सिद्ध करने के लिए नियम चाहिए, काल चाहिए, अनेक प्रकार के न्यास चाहिए, लेकिन यह क्या है तत्व नियमित नाश्मय काल है, आप इसको किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, सोते हुए करिए, सुबह उठते हुए करिए, किसी दिशा में बैठ करके करिए, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अवरोधन नहीं है। क्यों, क्योंकि भगवत नाम है, उन्हें मंगल मधुरम मधुरम की मंगलम की मंगलम पावनम पावन हरे नाम एव केवल, श्री भगवान का नाम मधुर से भी मधुर है, मंगल से भी मंगल है, जीवन के जितने भी अवंगल है केवल इस कृष्ण नाम को ग्रहण करने से सब समाप्त हो जाएंगे। सगुरु सा चाहती स माता अंधयो चाहती, उन्हें बहुत माता माता है जो अपने पुत्र को श्री कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करे, आप तो बहुत पिता पिता है जो अपने पुत्र को कृष्ण नाम के लिए करे, बाप गुरु गुरु है सबको कृष्ण नाम के लिए प्रेरित करे, तो निरंतर शिक्षा दे के देखो भैया जीवन बहुत कम है, बहुत छोटा है, कब छूटने के यह पता नहीं है, इसलिए ये केल प्रकार इसे श्वास के रुकने से पहले एक सदगुरु के पास आए, उससे दीक्षा ग्रहण करें कि पंखे इत्यादि कार्य करें। महाराज जी हमेशा उदाहरण देते हैं, उदाहरण है तो बड़े विनोद का हास्य का है लेकिन उसके पीछे पूर्ण सिद्धांत है। वह कहते हैं एक आलतू कुत्ता है और एक पालतू कुत्ता है, आलतू होगा ना जो है यहाँ वहां घूम रहा होगा, पालतू उसको कोई कुछ कहेगा नहीं, जो पालतू होगा उसको कोई छोड़ेगा नहीं, तो पंखी जिस दिन धारण कर लेते हैं उस दिन क्या होता है, श्री यमराज ने कह दिया चिवान भक्ति पूर्ण नाम दे रहा चीतू न स्मृति तत्चरणानंद, कि जिसने एक बार भी श्री कृष्ण नाम नहीं लिया, जिसने एक बार भी अपने मस्तक को मेरे आगे समर्पित नहीं किया, जिसने जीवन में वास्तविक रूप में सदगुरु का आश्रय नहीं लिया, या मूर्तों को कह रही है कि जा करके ताना नए पहुंच को प्यार बिना पूछे उनको मेरे पास ले आना, और जिसके गले में तुम कृष्ण नाम देखो, जिसकी जिवा पर तुम श्री कृष्ण नाम लर्पण करते देखो, जिनकी जिवा पर कंठ की हमेशा श्री कृष्ण कथा रहे, ऐसे व्यक्तियों का उत्तराधिकारी मैं नहीं हूँ, वह सीधे के सीधे कृष्ण नाम लेकर के भगवत धाम उसमें प्राप्त करते हैं। तो निवेदन यही है, आए हैं बैठे हैं, एक तो प्रसाद पार होता है जिसकी एक सीमा है, वो प्रसाद का जो प्रभाव रहेगा थोड़े समय रहेगा, लेकिन यहाँ जो प्रसाद ध्यान मिल रहा है सारे सर्व दुख का नाम सारे के सारे दुख को समाप्त करने की प्रसाद हो सकता है, और क्षमता जो है श्री महाराज जी के माध्यम से आप सबको प्राप्त हो रही है, अपने अपने जीवन का फैसला निर्धारण हमारे हाथ में है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, शीघ्र आज श्रीकृतम महाराज जी माला करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप सबसे निवेदन है आप उस माला को ग्रहण कीजिए, प्याज लहसुन मीट शराब तम्बाकू इत्यादि ये सब चीजें सेवन करता बहुत अच्छा है, वो जो करता है उससे हर वक्त हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इसको त्यागिए, इससे चित्त जो है अशुद्ध होगा, और अशुद्ध चित्त से कभी भी भगवत भजन नहीं हो सकता है, तो ये सब चीजों गंदी चीजों का परित्याग कीजिए, एकादशी का पालन कीजिए, इस पुरुषोत्तम मास के अंदर समूह पर हो कीजिए, वृंदावन जाइए, परिक्रमा इत्यादि कीजिए, और महाराज जी हर वक्त यहाँ पर आते ही है, अपने घर में भी बैठ करके आप श्री कृष्ण नाम और भागवत दर्शन पाठ करेंगे, वो अलग अलग जगह पर जाकर के भगवान की कथा सुना रहे और भगवान की भक्ति करता है, तो भक्ति करता है तो भक्ति का आप लोग भी भजन करो, बच्चों को अच्छे संस्कार डालो, आपका बच्चे भी ऐसी कथा सुना चाहते हो, बच्चे ऐसी कथा सुनाए कौन कौन चाहते हो, मैंने कहा था ना
याद करेंगे प्रभु जी ने वो कॉलेज में जाकर के बच्चों को इस चीज बच्चों को सिखा देते जो नियम जनरेशन हम धीरे धीरे सब उल्टा पलटा रास्ता में जा रहे हैं और ये जाकर कॉलेज विलेज में बच्चों को क्लास देता है ये भी एक्टिंग किया हुआ है इसलिए ये बच्चा इसलिए मैंने कहा था अपने बच्चों को बोला नहीं लेकर करना लेकिन बच्चे को तो स्मार्ट बोर्ड को बनवा देते हैं लेकिन बच्चों को कहते नहीं बेटा तो ये जिससे जीवन बिगड़ जाए वो काम तो बच्चे को करवा देते हैं लेकिन बच्चे को बोलते नहीं बेटा तो एक बार माला कोई बोलता है बच्चे को लेकिन स्मार्ट बोर्ड 10,000-20,000 रुपया के स्मार्ट बोर्ड को बना देते हैं इसलिए मैंने पहले बताया था ना हमारे गुरु जी को हमें सिखा कर पूरा बोलते है बेटा बात नहीं सुनता है गुरु जी वाले रामायण पढ़ते हैं बच्चे को रामायण पढ़ने के लिए बोलते हैं वो बोलते हैं गुरु जी रामायण नहीं पढ़ेगा बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाया उसका फल नहीं यही फल मिलेगा और ज्यादा कुछ फल नहीं दे सकता क्योंकि गुरुदेव कहते थे अगर बच्चे को बोलते रामायण पढ़ रामायण पढ़ ले तो इतना प्राप्त भूत नहीं रघुनाथा पर माँ तो पीठ गुरु न बनेगा था भगवान सवेरे उठ करके क्या करते हैं पिता माता का पहले चरण छूते सुधरी थी लेकिन अपना जब दशरथ महाराज विश्राम करते हैं भगवान राम जाके पिता की चरण की सेवा करते हैं अगर रामायण पढ़ते तुम्हारा बेटा भी तेरा सेवा करता तेरा सेवा करता रामायण में पढ़ाई नहीं बच्चे को स्मार्ट बड़ा बनवा दिया जिससे जीवन बिगड़े जाए बोलते हो एक माला जब करने के लिए बच्चे को नहीं बस संस्कार काम से करना है इसलिए आज हम कहीं और समय नहीं बता सकते जो आ रहे थे मेरे प्यार के दोस्तों जो हम आ रहे थे आप कौन सा वार है कौन सा वार है शुक्रवार है हमने देखा मुसलमान भाइयों को हमने देखा है हजार हजार छोटे छोटे बच्चे सब सर पर टोपी पहने हुए और इनको लेकर के नमाज पढ़ करके सबसे सुबह मैं जो पता कर जाना था इतने ये गरीब के सब रहने वाले इतने गरीब के सबके सब गरीब में रहने वाले और इतने इतने छोटे छोटे बच्चे टोपी पहने हुए और वो सब कैसे नमाज पढ़ करके सबसे सुबह आ रहे थे या आप अपने बच्चे को अगर मंदिर से कोई संस्कार मांगते हो कभी ले जाते हो कभी मंदिर में बेटा तुम पंथी इतना रामायण बोलते हो कभी करते नहीं बच्चे हमें कहाँ आदर करेंगे इसलिए पहला जो पिता माता ये पिता माता पहला गुरु ये पिता माता पहले संस्कार पिता माता से ही बनता है अगर आप गले में कंठी बनी तो बताए थे ना जब महाराज कह रहे हैं जिसकी गले में एक तुलसी कंठी नहीं उनको चोटी पकड़ करके घिसट भी नहीं पकड़ लिया भगवान देता है गले में कंठी नहीं मतलब फालतू होते सकते सब इतने दिन से कथा सुन रहे हैं उसको तो प्रोफेसर करनी चाहिए कम से कम गले में तो तुलसी पहनती हो तिलक तो हो कम से कम भगवान के नाम तो कम से कम जपा कर तुलसी प्रोग्राम था इतना से कम से कम साधारण में चेंज तो हो रहा है इतने दिन सारा जीवन कथा सुने मैंने कहा एक गिलास पानी दो लेकिन आपने मेरे को एक गिलास पानी नहीं दिया मैंने कहा सुन लिया बोले सुन लिया ना बताओ तो एक गिलास पानी देने के लिए लेकिन आपने पानी नहीं दिया कोई सुनना सुनना है सुनना सुनना नहीं इसलिए तो बोले कथा में आए बच्चे करेंगे बच्चे तो माला जप कर रहे हैं कर रही है कर रही है छोटे छोटे बच्चे क्यों कर रहे जानते हो उसको पिता माता खुद भजन करते उसको पिता माता खुद माला जप करते तभी बच्चों को करते बेटा तुम भी एकदम माला करते पिता माता स्वयं नहीं करेंगे बच्चे को बोल सकते हो बोल नहीं सकते तुम बच्चे को तुम खुद नहीं करते हो माला ठीक है ना कल सबके साथ आज तुम माता में आकर के माला ले रहे हैं इसने कल के लोग माला नहीं की है कल सबके साथ आप दिनों दिन जाते रहते हैं कल जब भी आगा उन्हें माला लेकर के आना मेरे से ठीक है सबके साथ माला लेकर के आना कल में चट्टी पहनो कल में लगाओ पास में इसको नहीं देखो कितना छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर तिलक लगा बड़े बूढ़ी लेकिन हमें तिलक लगाने में शर्म आता है लेकिन झूठ बोलने में शर्म नहीं आती ठीक है सबके सब तिलक लगाया करो ये कदम आओ मेरी संख्या मुझे मेहंदी लगा दो और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो तिलक लगाना मतलब सायरा भगवान की दुल्हनिया बन गई भगवान
भगवान की सखियां हमें लग गई, ठाकुर जी अपने आप स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए तिलक के बगैर पैसे सदमा माता है। तिलक दिखाने का जरूरत है क्या? अंदर अंदर में तिलक रखो ना, ये कंती तिलक दिखाने का तैयार है। हमारे गुरु जी कहते थे जैसे आपका पति दिखता है, लेकिन कोई स्त्री सारे सदमा का श्रृंगार होता है, एकदम विधवा रूप धारण करते हुए पति के सामने चले जाते हैं। आप बताओ तुम्हारे पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? बताओ स्वीकार करेगा? बोलेगा चिंता नहीं करे, तू क्या मेरे को नाम कर ले तुम्हें कम से कम शादी से कोई पहले कोई मतलब था, बीच में डाइवर्स आ गया तो हर एक दिन कितना आता है, इसलिए एक दिन तो ये सारे पति सब छोड़ना पड़ेगा। भैया दो दिन पति के लिए जो इतना तुमने श्रृंगार पहनी है, इतनी सौ केसर और मंगल सूत्र और क्या क्या पहनी, तब जो हमारी जन्म जन्मांतर में जो पति उसके लिए हम क्या कर रहे कुछ कर रहे कि नहीं उतने तो ठाकुर तुम्हें स्वीकार कैसे करेगा? जब तुम्हारे लिए जनपता पति तुम्हें स्वीकार नहीं करता है वो पराम पति तुम्हें क्या स्वीकार कर करेगा? इसलिए क्या करो सबसे बड़ी राणी को तो सबसे ज्यादा प्रेम करता था, मन पसंद चूर देता था, और दूसरे रानी सबसे सुंदर थी। जब राजा घूमने जाता था उसको सदा सजा करके घुमाने ले जाते, जो तीसरी नंबर की रानी थी उसकी मीठी मीठी बोली सुनकर खुश होता था, लेकिन जो चौथी नंबर की जो रानी थी राजा उसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रिय थी। किसी काम का नहीं, अभी राजा का मरने का समय आया, सबसे बड़ी रानी से पूछा रानी मेरे साथ में चलोगी? मेरे को सबसे ज्यादा प्रेम किया, तेरे मन पसंद चीज को ला ला करके चलोगी? वो कहती है एक कदम भी तेरे साथ में चलोगी? बोले क्यों? तेरे लिए मैंने जो इतना की बोले तेरी बच्चे बेटी बोले तेरी बोले कोई कष्ट नहीं राजा को तो बड़ा दुख किया। अभी दूसरी रानी से बोले तू चलोगी? दूसरी रानी कौन थी? सबसे जो सुंदर थी राजा जिसको दुनिया में दिखाया करता था, बोले चलोगी? बोले चलूंगी, मैं तो देख रही थी तो मरोगी, मैं तो दूसरे से शादी करना लगेगी। बोले शादी क्यों करोगी? बोले देख मुझे कितने सुंदर है, तो मेरी सुंदरी बोले जहाँ जाओगे मेरे को भी पसंद कर लेगा, राजा को बड़ा दुख मिला। तीसरी रानी से पूछी जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता कंपनी की बात बोलता था, तू चलोगी? थोड़ी अच्छी निकली। बोले हाँ चलोगी, परवाह है तो मैं चल सकती हूँ। बोले आगे बोले आगे और नहीं चल सकती, बोला तो चार कदम आगे चल सकती, बोले तू भी किसी काम की नहीं। अभी चौथी रानी से पूछा राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निर्णय कर देगा, बोले ये बेकार किसी काम के नहीं, बोले तू चलोगी? वही चलने के लिए राजी होती है, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी दुखी में दुखी होगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य मिला। राजा को इसका मतलब क्या है? राजा सबसे जिसको ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को देता था, कि कौन है सबसे जिसको ज्यादा प्रेम करते हैं? यदि हमारे शरीर है, इस शरीर हमें जिस चीज की मांग करती है, जैसे सारी पहनों गोल कपे का ब्यूटी पार्लर में चलो चलो सजा अंतिम समय में बोलता है साथ में चलोगे शरीर जिसको जीत में ले गए जिसको चबन प्राप्त खाए बोले चलोगे? अभी तेरे साथ एक कदम भी नहीं चलोगे। बोले जब हंसा अकेला उड़ जाएगा केवल इंदिरा पड़ा नहीं जाएगा। अभी दूसरी से बोले कि सबसे सुंदर कौन है? कितना बात बड़ा नाम भैया, सबसे बड़ा सबसे सुंदरी राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, बोले साथ में चलोगी? बोले तो मैं देख रही हूँ तो मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब ये शरीर छूटते ही पैसा छठ दूसरे का नाम का ट्रांसफर हो जाता है, कहते मैं तो दूसरे से शादी करूंगी। अभी जो तीसरी नंबर जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था ये कौन थी? बोले परिवार वाले। पहला नंबर पत्नी की आई, पत्नी को बोले साथ में चलोगी? बोले चलूंगी लेकिन दवा यहाँ पर चलोगी? बोले आगे ज्यादा बोलोगे ना चार कदम तो चलोगे लेकिन तेरे साथ नहीं चलेंगे। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए आरती सजाएंगे और राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक ले जाएंगे। बोले आगे? बोले आगे और नहीं चल सकते। अभी चौथी नंबर राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा निगलेक्ट करी थी, बेकार किसी काम
तो दरिद्र बनना पड़ता है अगर भगवत कथा में अगर कोई चोरी करता हो
अगर किसको बुला हुआ हो इसमें वो चयन कृपा देके यहाँ पर वापस ले जाना, लेकिन वापस कभी तुम्हारे कल्याण नहीं कर सकते। इन जन्म नहीं कितने जन्मों तो वो खुद में नर्क को बोलना पड़ेगा। Thank you.
आगे आपने क्यों सोचते हैं, क्योंकि इसकी कामनाएं इतनी होती है, अगर वो कामनाएं निकल जाए तो इसकी फिल्म में रहना शुरू कर देंगे, कांडना सकते जो भी कल भगवान मेरे भगवान की बड़ी कृपा है। हम मगर दिल से धन्यवाद इस बात के लिए भगवान के लिए कितनी कृपा करके भगवान को जीने का फल देना है, इस व्यक्ति का जो फल देना उसके लिए कुछ उसका क्या बात है, जीवन मेरा इतना अच्छा जीवन मिला है, इसलिए इस जीवन को हमें भगवान की सेवा में रहना चाहिए, भगवान से समर्पित होकर रहना चाहिए। हमारे गुरु जी ने तीन बातें कही है जो सब चीजों का सवाल से ज्यादा समझ रही है, इसलिए हमें राधा में भी आना है तो ज्यादा नहीं बोलूंगा। गुरु जी तीन चीजें कही है, पहला कहते हैं नेवर कंप्लेन, यानी कि कभी भी शिकायत ना करो। शिकायत व्यक्ति तभी करता है जब उसको भगवान का भरोसा नहीं होता, जब उसको परिस्थिति अच्छी नहीं लगती, जब उसका अहंकार इतना घटता है कोई दूसरे को उसके व्यवहार कराता, जो हमको परिस्थिति मिली है, जो भगवान ने हमको माहौल दिया है, भगवान की कृपा से मिला है, इसलिए धन्यवाद ही मांगना चाहिए भगवान को, पल पल धन्यवाद है, समझ के हमारा स्वास्थ्य मिला तो धन्यवाद है, जीवन भर को दिया हुआ है, खाने को मिला उसमें धन्यवाद है कि कृपा से मिल गया, भगवान को नहीं मिलता धन मिल गया इसलिए धन्यवाद है कि धन मिल गया, कोई चीज मिल रही है कोई बीमारी नहीं शरीर में, भगवान को धन्यवाद है, बहुत बीमार रहते हैं जो रक्षा में भाग, इस तरीके से पल पल भगवान को धन्यवाद अगर देंगे तो हम शिकायत किससे करेंगे, अगर तो कैबल भी जीवन में होगा तो भी शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि हम भगवान के प्रति समर्पित का सरेंडर है, इसलिए कभी भी शिकायत मत करो, हर चीज को सहज करना सीखना चाहिए। पेड़ की भांति महात्मा ने कहा है करोड़ को सहज को नाम, पेड़ की भांति हम हर चीजों को सहन करें, शिकायत ना करें, छोटी छोटी बात में शिकायत करते हैं। दूसरी चीज गुरु जी ने कही है नेवर कंप्लेन क्वालिटी टू बी नेवर क्रिटिसाइज, कभी भी दूसरे की गुप्ताचारी ना करें, अरे खाना नहीं कभी किसी का कुछ भी नहीं करता, जो कुछ करते हैं की और भी करते हैं, अच्छा बुरा जो भी जीवन में आता है हमारे अपने कदमों से आता है, हमने पहला किया उसको अभी तो कम किया जाता, बीज भरते होता फिर उसका किसी को दोषी ठहरा मेरा कोई मतलब नहीं, किसी के माध्यम से भी अगर कुछ आता है तो उसको दोषी में ठहराए, वो सिर्फ एक माध्यम है, वो कोई देने वाला नहीं हमको कोई कष्ट नहीं चाहिए, तो पहले चीजों में कभी भी शिकायत ना करें, और दूसरी चीज कभी भी क्रिटिसाइज ना करें, नेवर कंप्लेन नेवर क्रिटिसाइज, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो गुरु जी ने कही है ऑलवेज कीप चैंटिंग, हर समय भगवान का नाम कीर्तन करते रहे, ये तो चीजें ना करें और हमेशा भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान के नाम में बहुत बहुत शक्ति है, महाप्रभु ने साफ साफ पहले बताया नाम के, अभी समय नहीं है कि मैं बोलूंगा नहीं, महाराज कह रहे बोले तो अभी महाराज जी का आदेश हुआ है, तो वहां पर वो कहते हैं चीतों पर पर मार दो समय अपना माला को पास में रखता है, इनकी दो बेटी है ये रहते हैं कहाँ पर रहते हैं कनाडा में रहते हैं, दो बेटी इतने सुंदर भजन गाते हैं हारमोनियम में और गायकन बजाती है इसकी बेटी और बड़ी सुंदर हारमोनियम बजाने कीर्तन करती है, वो पहले बोल रहा था मेरे दो बेटी सबके गले में दोनों बेटी की गले में तुलसी बेटी रहते हैं कनाडा में, इनकी पत्नी भी पायलट है और इनकी छोटी बहन भी पायलट है, इनका परिवार बिल्कुल पायलट पायलट इनके परिवार, वो कनाडा में रहते हुए बोलते हैं वो बोल रहा है कनाडा में रहते हुए और कनाडा में रहते हुए उनकी लड़कियां गले में तुलसी की कंठी पहनते हैं तिलक लगाते हैं और इतने सुंदर सुंदर भाषण गाती लोग सौ को भी नहीं सकते, इनकी दो बेटियों कह रहा था कि विदेश में रहते हुए भी हमारी लड़की आज तो भजन करती है लेकिन भारत में रहते हुए भी आप भजन नहीं करते, बोले क्यों, बोले पहला संस्कार पिता माता से पड़ता है, पिता माता पहला गुरु है, अगर पिता माता भजन करते तभी बच्चे भक्ति करते नहीं तो भक्ति नहीं करते। महाजी ने बात कही बेटियों के बारे में, इस मामले हम सत्य महाराज जी के आप बढ़े हैं, जो भी बच्चे भजन कर रहे हैं महाराज जी की कृपा से कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा से कर रहे हैं, गुरु जी मिले ना होते तो ना हम भजन करते ना बच्चे भजन करते और ना ही हमें तो संसार में पता चलता, हम लोग तो कहाँ इधर उधर संसार में मस्त थे, किसी चीज खाते थे यहाँ वहाँ घूमते थे, लेकिन जब गुरु जी के चरणों में शरण ली तो सारा जीवन सुधर गया, जीवन एकदम आनंदमय हो गया और बच्चे भी इतने आनंदमय है, कोई गलत काम नहीं करते, कोई गलत संगत में नहीं जाते, और मैं सर उनसे मिलने गया कह रहा तो मुझे वहां पहुंच के बड़ा आश्चर्य हुआ, जो मेरे बेटी की बड़ी वाली वो आनंद भी बताती है वो आनंद भी बताती है, रोज शाम को बैठ के अपने आप
अरे वाला घंटा कीर्तन करते हैं, गुरु जी के कीर्तन शुरू करते हैं, पूजा करते हैं, जो संस्कृति करते हैं। इस बार जब मैं गया तो मैंने देखा कि ऐसी स्थिति में बाहर जो हमने कभी लाए नहीं। मैंने पूछा कि आपने कहाँ से सीखा है? मैंने भी कभी सिखाया नहीं आपको, मैं हम किसी ने हम इसके साथ में मिले हम ये सीख कैसे लिया? उसने बोला नहीं ये मैंने यूट्यूब से देख के सीखा है। सब यूट्यूब में गंदी गंदी चीजें देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, टाइम पास करते हैं, लेकिन आप चाहो तो इससे अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं। अगर हम लोग सही रास्ते पर जाएंगे बच्चे स्वतः ही सही रास्ते पर जाएंगे, सिखाने की जरूरत है। कभी हमने ये भी बोला लहसुन प्याज मत खाओ, अंडे मत खाओ, केक मत खाओ। उसकी टीचर ने आके बोला कि तुम्हारी बेटी केक नहीं खाती, क्या बात है? मना नहीं किया केक खाने, उसने पूछा केक भी नहीं खाते? कभी मम्मा से उसमें अंडा होता है। देखो हमने ना कभी उसको बोला ना कभी सिखाया, तो बच्चे बोलने से नहीं सीखेंगे। अगर आप बोलोगे तो नहीं सीखेंगे। माँ बाप कितना बोलते ये करो वो करो, सुनते हुए, लेकिन आप अगर करोगे तो बिना बोले वो करोगे। खुद आप कैसे करोगे? बोलोगे तो नहीं, तो नहीं करेंगे, अपने आप करेंगे। बच्चों को दोष ना दें, बच्चे बहुत कॉमन है, वो खुली किताब की तरह वो बस सरल है, वो जैसा सीखेंगे वैसा ही सीखेंगे, कोई बात नहीं। हम ठीक हो जाएंगे तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। आनंदम परमात्मा स्मरण परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ऐसे भगवान कृष्ण के संकीर्तन की विजय हो, इससे क्या होता है? पहली बार कहते चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा चित्र की जो दर्पण है, दर्पण यानी शीशा, इसको ये साफ होता है। जब शीशा साफ होगा तो उसमें आप अपनी शक्ल को देख सकते हो। अगर गंदे शीशे में कोई दिखता है क्या? नहीं दिखता। इसी तरह से अगर हमको आत्मदर्शन करना है तो हमको उस दर्पण साफ चलेंगे, तभी हम अपने आप को देख पाएंगे। हमारा जो चित्र रूपी जो शीशा है ये गंदा पड़ा, बहुत गंदा, इसके ऊपर तरह तरह के कर्मों की धूल लगी गई है कई सालों से, और इसको साफ करने का एक ही साबुन है, एक ही तरीका है, वो है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, ऐसे हर रहते हैं साबुन धीरे धीरे साफ होगा। इसके अंदर आपको अपने आप का दर्शन हो जाएंगे, भगवान के भी दर्शन हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएंगे। अपने शिष्य को साफ करना है, इसको नहीं कर। दूसरे भगवान ने पहला बताया चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावागनि निर्वासनम, मतलब आग, महा मतलब बड़ी, महादावागनि मतलब बड़ी जंगल की आग। इस संसार में बड़ी जंगल की आग लगी हुई है, देखते हैं कैसे छीना झटकी हो रही है, छोटी छोटी लड़ाइयां हो रही है, पार्टी के लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, 10-10 रुपए के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आग तो एक बड़ी उम्र क्या है, मतलब हम तो भव सागर में है। भव का मतलब होता है होना, हम सब यहाँ पर कितना कुछ हो गए हैं जो नहीं है। कोई मनुष्य बन गया, कोई जानवर बन गया, कोई कीड़ा बन गया, कोई मच्छर बन गया, तरह तरह की चीजें हमने मान ले ली है, इसमें हम कितना कुछ हम हो गए हैं। भव महाकावागे, इस संसार में बढ़कर जंगल की आग में हम लोग तड़प रहे हैं, बस रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, उनसे आराम कैसे मिलेगा? जंगल की आग को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो बाल्टी से बुझेगी, नहीं बुझेगी, या फवारे से स्प्रे मारने से बुझेगी, नहीं बुझेगी, कैसे बुझेगी? अगर बहुत जोर से बारिश हो जाए जबरदस्त जैसे भी होने वाले थे, तब वो जंगल की आग बुझ सकती है। ये बारिश कभी होगी जब हम भगवान का नाम करेंगे। कहते हैं कि नाम जो है ये भगवान की बारिश है, नाम रूपी बारिश अगर हमारे जीवन में हो जाएगी तो हमारे जीवन में ये सारे क्लेश मिट जाएंगे, सारी क्लेश शक्ति शांत हो जाएगी और हमारे जीवन सुखमय हो जाएगा।
लेकिन हमें तो पता भी नहीं आग लगी है, हम तो घर की बड़ा आनंद आ रहा है। किसी घर में आग लगी हो तो चैन से सो सकता है? फटाफट इसको उपाय करेगा कि भैया आग लगी बुलाओ सोने का काम करेंगे, लेकिन हमको पता ही नहीं आग लगी, हम सो रहे हैं आराम से, धीरे धीरे आग हमको खाई जा रही है और थोड़ी ही देर में हमको जला के भस्म कर देंगे। लेकिन हम नींद में निद्रा में गुरुदेव आ रहे हैं, वैष्णव आ रहे हैं उठाने के लिए, बता रहे हैं हमारे दरवाजे को उठो जागो हनुमान करो, आपका उपाय कर लो उससे पहले कि तुम्हारा को खा जाए, इससे पहले पहले उपाय करो, समय बहुत कम है, घड़ी घड़ी का पकड़ लो, इससे जितना की आपको ये हरिनाम बुलाता है जल्दी से जल्दी जितना हो सके इमरजेंसी रूप में। अगर आदमी बीमार है तो क्या करता है, फटाफट दवाई खाता है, इंतजार करता है बीमार वाले बड़े नहीं, तुरंत मेडिसिन लेता है, इसे तुरंत दवाई को सबको लेना चाहिए इमीडिएट इमरजेंसी के रूप में, ये तो आम जिंदगी से फायदे नहीं दिया। महाप्रभु कह रहे हैं दूसरी बात क्या है, भव महादावा से निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, कैरव मतलब होता है कमल का फूल जो सफेद रंग का होता है, जैसे चांद की चांदी फूल पे पड़ते तो एक फूल खिल जाता है, हमारी आत्मा को भी ऐसे महाप्रभु ने कमल के फूल की तरह कहा, जब नाम रूप की चांदी इसके ऊपर पड़ेगी तो ये आत्मा खिल जाएगी, आत्मा आनंदित हो जाएगी, खिल जाएगी, अपने स्वरूप में आ जाएगी, जीवन आनंद में हो जाएगा। नाम क्या है, ये विद्या रूपी वधु का जीवन है। शास्त्र में हमारे यहाँ दो चीजें, एक है विद्या और एक है अविद्या। अविद्या मतलब विद्या का ना होना नहीं है, अविद्या भी एक तरह की विद्या है, जो विद्या भगवान की तरफ ना ले जाए इसको विद्या कहा गया, और जो विद्या भगवान की तरफ ले जाए इसको क्या कहा गया, विद्या। विद्या जो है ये वधु के रूप में कहा गया, भगवान की वाइफ है, पत्नी है, क्योंकि विद्या भगवान की तरफ नहीं जाती है, और इस पत्नी का जीवन जो है ये भगवान का नाम है, ये नाम होगा तभी विद्या मिलेगी, तभी भगवान की तरफ जा पाएंगे, तभी भगवान की तरफ अग्रसर होंगे। इसी बात विद्या वधु जीवन आनंद राम मोदी बदल, इस नाम का नाम करने से क्या होगा, कहते आनंद मिलेगा, कितना आनंद मिलेगा, इतना 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 कहते नहीं, सागर जितना, अमृति मानी सागर, सागर की कोई ओर छोर नहीं, कोई किनारा नहीं, ऐसे ही आनंद भी इतना बड़ा है, अरे फिक्स सागर ऐसा नहीं, सागर में फिर भी किनारा होता है, इसको कहा गया आनंद बांगी बढ़ना, बढ़ना मानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, नहीं आना ऐसा सागर जो बढ़ता ही जा रहा है, कितना आनंद मिल सकता है सागर के नाम से। तो आनंदामोदी वर्धनम प्रति पदम पूर्ण मत आस्वादनम, क्या ऐसा आनंद नहीं संसार में भी मिलता है, आज मिला और कल नहीं, आज तो आनंद आया है, नई नई गाड़ी लेके बड़ी आनंद आ रहा है, बड़ी खुशी हो रही है, कल जाके देखा एक्सीडेंट हो गया तो बहुत दुखी हो गया, अरे आज नई नई पत्नी मेरी बहुत खुश रहते हैं, बड़ी सुशील है, बड़े आराम से काम कर रहा है, छह महीने बाद एक भाई घर हो गया, भगवान की लागत आ गई, पैसे ला रही हूँ, आनंद संसार में जो है कहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी दुख मिलता है, कभी आनंद मिलता है, क्या भगवान के नाम का भी आनंद ऐसा ही है कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, हम कहते नहीं, प्रति पदम हर पद पर पद पद पर प्रति पदम पूर्ण अमृत आस्वादन, पूर्ण पूरे का पूरा अमृत जो है उसको हम आस्वादन करेंगे, स्नान प्रति पदम पूर्ण अमृत सर्वात्मा स्नेपनम, और यह क्या करेगा नाम हमारी आत्मा को एकदम साफ कर देगा, प्योर कर देगा, सर्वात्मा स्नेपनम परम विजय से श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसे संकीर्तन की परम विजय हो, ऐसा संकीर्तन की परम विजय हो, सभी को ऐसा मिले, आज सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी की कृपा में आए हैं, लगन से सुन रहे हैं, और सभी लोग इस हरिनाम के पाठ करने में समझते हैं, इसको मिलने के लिए आप क्वालिफाइड है, इतना ध्यान बैठ के सुन रहे हैं, तो मैं बहुत लोगों ने तो हर नाम दे रखा, मैंने देखा जब महाराज जी ने नाम से बोला तो बहुत लोगों ने हाथ उठाया उसमें छोड़ी थी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लिया है और जो लोग अभी सोच रहे नहीं कि नाम है फटाफट ये भगवान का नाम ले लेना चाहिए, इमरजेंसी के रूप में कहीं आग ज्यादा ना पड़ जाए और घर में आग हमको जलाई पड़ा हो, इससे पहले ही हम बुझाने का इंतजाम कर लें, भगवान का नाम ले लें, भगवान की शरणागत हो गए और इस नाम को पूरी लगन के साथ करें,
सुबह शाम जाते समय मिले कोई माला से शुरू करो, कोई कोई नुकसान नहीं है। सुबह माला नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, करो तो सही, करोगे तभी शुरू होगा धीरे धीरे। सभी लोग नाम लें, गले में कुर्सी माला लें, गुरु जी से मंत्र लें, ऐसा करने से जीवन सुखमय हो जाएगा। हमने इसको अनुभव किया है, प्रवाद करके देखा है, आनंद मिला है। जो महाप्रभु यहाँ कह रहे हैं वो सब चीजें हो रही हैं थोड़ी 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 थोड़ी, समय के नहीं हो रहे तो क्यों करते हैं लोग। आप लोग सोचते हैं विदेश जाकर रहे, मौज करें, मस्ती करें, लेकिन वहां में जाकर बच्चे लोग क्यों कर रहे हैं? मौज मस्ती के सारे साधन कंपनी भी ऐसे नहीं, जो कोई वक्त नहीं है आपको, एक भी नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं घर बैठ के रोज ठाकुर जी के सामने बैठ के कीर्तन कर रहे हैं। मालक क्यों? क्योंकि उसमें और जब मैं जाता तो मुझे कहते बड़ी फिर कथा सुना भगवान की, लोग मुझे ऐसे क्या कहते हैं, मैं ठाकुर जो समझ पाने वाला अच्छी बातें पूछ रहे हैं। तो ऐसा कभी होगा जब आप खुद इसको करेंगे, मुझे बड़ी खुशी होती है उनको देखिए, मैंने कहा देखो मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, बच्चे अपने आप फूल की तरह कितने बढ़िया खेल रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान की लगभग पूछ रहे हैं। तो आप सबके जीवन में भी ऐसी बातें होंगे, जरूर होंगी, अगर हम लोग बड़े विश्वास के साथ गुरु जी से विश्राम लेंगे और इसको बड़े विश्वास के साथ करेंगे, पूर्ण विश्वास करेंगे। महाप्रभु इसके प्रमाण है, महाप्रभु कह गए हैं, आगे महाप्रभु कहते हैं भविष्य नाम ग्रहण करने से कब मेरे आंखों में आंसू आएंगे, कब मेरे शरीर में भुलक होगा, महाप्रभु ऐसे कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमारे जीवन में जरूर जरूर आएंगी अगर हमें पूरा विश्वास होगा, हम गुरु जी के चरणों में आश्रय लेंगे, समर्पित होंगे। उसको भारत में नियम है, पूर्ण दिखना नहीं चाहिए, एक गोपाल मंत्र है, जिस मंत्र से भोग लगता है। आज भी जो माता है आज तक गोपाल मंत्र लेकर गए, लोगों को पहले अनुदान लिए हूँ, आप लोग आज जाने कल सवेरे 7 बजे 8 बजे आ जाना, इन्हों के घर में गोपाल मंत्र मिले, क्योंकि उसी मंत्र के बगैर कभी जो भोग नहीं लगता है, वो मंत्र कृष्ण ब्रह्मा ब्रह्म नारद ये सत्य युग से वो मंत्र आए। इसलिए कल आप लोग लेकिन घर में कोई पेटी नहीं, कृष्ण महाराज सोच रहे हैं अपने को लाली होनी चाहिए। देखो घर में जब कोई पेटी आती है ना, सारा दुनिया में घर में महा लक्ष्मी आई, लक्ष्मी आई और कन्या जाने का बड़ा भाग्य होता है। इसमें महाराज कह रहे घर में से लाली की जरूरत है, अरे कोई कृष्णवाली महाराज कितना बनाया। इसमें अभी एक दिन बृहस्पति महाराज गए यमुना के मंडल के लिए, देखा ब्रह्म मुहूर्त में गई एक सतल कमल फूल को ऊपर में चिंतन मारते हुए और एक बड़ी सुंदर की स्त्री है लड़की बहते 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 आ रही थी और उसके शरीर की ज्योति से चतुर की उजाला हो रहा था। इतने बृहस्पति महाराज पानी में उतरे और उन्होंने बेटी को उसने गोद में ले लिया, श्रीमती राधा रानी की, और उन्होंने कीर्ति का महिला को दिए। अभी नारद जी ने देखा अभी कृष्ण गोकुल में आए, अकेले तो आए नहीं, जरूर इनकी पूर्ण शक्ति राधा रानी को बल पाई, उनके गली गलियों में घूम रहे थे। जब आए श्री राधा ने विश्वमान महाराज को पूछे घर में कोई बच्चा है, तो उन्होंने बेटा को दिखाया, बोले घर में कोई बेटी है कि नहीं, बोले हाँ एक बेटी है, बोले बेटी के ला, तो उन्होंने बेटी को देखे तो भैया ने भैया यही पर श्री नारायण इन्हीं बंद में डूब रहा था। अभी महाराज जी चाहते थोड़ी सी स्तुति करे, लेकिन कृष्ण महाराज सोचने में तो मेरी बेटी है, लेकिन हमको पता नहीं वही नागरी शक्ति भगवान की परम शक्ति और पूर्ण शक्ति से राधा रानी की बहना बनाए था फूल लेकर के आओ, आपका बच्ची को मैं सोचती बात में देखकर आशीर्वाद दूंगा। जो अंदर में बहना कितना राधा रानी पूरा की सोच बड़ी सुंदर है, उसने आपका सखिया प्रकट हो रही चावल बाबा क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी स्तुति कर राधा रानी अंतर ज्ञान हो जाएगी। श्री नारद जी
बड़े सुंदर राधा जी की स्तुति करते हैं। अगर इसका नाम है राधा कृपा प्रकाश स्तोत्र, अगर ये स्तोत्र को भी पाठ करेगा राधा रानी की जरूर कृपा होगी। अगर राधा सुंदर में खड़े होकर के 108 बार अगर कोई पढ़ेगा ना, राधा रानी स्वयं दर्शन देंगे, स्वयं राधा के दर्शन प्राप्त होगी। इसलिए हम लोग इधर उधर का स्तुति पढ़ते हैं, लेकिन जब इसे राधा रानी की स्तुति पढ़ लेते हैं अनंत पर्ण देवी की पूजा अपने आप हो जाती है, मुझे स्तुति हो जाती है। क्योंकि जगत का जितने देवी उमा रमा सत्या सती काली चंडी दुर्गा ये पूर्ण है, बोले राधा रानी की ये प्रकाश है। जब राधा रानी की पूजा करो तो एक देवी ने अनंत पर्ण देवियों की पूजा हो जाती है। हम सब बहुत लोग सकते हैं आप लोग रोज इस स्तुति को करते पड़ते हैं, ठीक है। बच्चे बोले Thank you.